Alright, जी अस्सलाम वालेकुम, a very good morning to you. And आज जब मैं आ रहा था तो मैं कुछ स्टैट्स जो थे वो अपनी गाड़ी में पढ़ रहा था कि हमारा मतलब पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो कितना ज़्यादा प्रेवलेंट होता जा रहा है. उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें सामने आई. ख्वातीन पे तो होता ही होता है डोमेस्टिक वायलेंस, मर्द भी इसका शिकार होते हैं. अच्छा, जाहिर है ये पूरी दुनिया के अंदर है, हर जगह है, मर्द भी इसका शिकार हो सकते हैं, ख्वातीन भी शिकार हो सकती हैं. वायलेंस किसी भी सूरत में हो बुरा होता है, वो इमोशनल अब्यूज़ हो, फिज़िकल अब्यूज़ हो, या मेंटल अब्यूज़ हो, कोई भी अब्यूज़ हो, अब्यूज़ किसी भी शक्ल में हो बुरी होती है. आई वॉन्ट यू गाइज टू एक्चुअली लिसन टू द शो एंड वॉच द शो टुडे. बड़ा इंपॉर्टेंट शो है. रीज़न उसका बहुत सिंपल है, बिकॉज हमको ये तमाम चीज़ें अपने माशरे से एलिमिनेट करनी है. वो बात जो आप किसी से कहना चाहते हैं, अगर आपका इख्तिलाफ़ है तो बात इत्मीनान से भी की जा सकती है. अच्छा, ये सब होता क्यों है इसके बारे में आज हम बात करेंगे, और अगर हो रहा है तो इसको रोका कैसे जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे. लेकिन एक जुमला मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, उसे याद रखिएगा, और वो जुमला है फियर का. फियर प्रोड्यूस करता है ये सारे एलिमेंट. इवन मोहब्बत भी फियर की प्रोडक्शन होती है. आई एम रियली सॉरी, वो हम बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे. बट अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. आज 15 तारीख है, सो आई होप एंड प्रे दैट यू गाइज आर वॉचिंग द शो. आज मैं जब निकला था घर से तो मैं सोच रहा था कि आज ट्रैफिक नहीं होगा, लेकिन ट्रैफिक वॉज देयर. इनफैक्ट खासा ट्रैफिक था आज, बट देन यू नो पाकिस्तान में यू नेवर नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोना हैपन. तो आज हम डोमेस्टिक वायलेंस पर बात कर रहे हैं. मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं आयला फैसल साहब. आप प्लीज़ तशरीफ़ ले आइए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं आप. आइए जी. उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं रबिया फारूकी साहिबा, आप भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं एंड स्पीकर हैं. आप प्लीज़ तशरीफ़ ले आइए. डॉक्टर सना यासर साहिबा रिलेशनशिप कोच हैं. मैम यहाँ इस तरफ. कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग टू यू टू. ऑलराइट जी, सो यू आर अ रिलेशनशिप कोच. यस. वो क्या करता है रिलेशनशिप कोच जो होता है, वो क्या करता है? बेसिकली रिलेशनशिप कोच मेक्स यू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप, अपनी रिलेशनशिप अपने आप से और अपनी रिलेशनशिप अपने लव्ड वंस से. ओके. अच्छा, दैट डज नॉट मीन जस्ट हस्बैंड एंड वाइफ, दैट मीन्स एवरीवन. यस. ओके. यस. हमारे यहाँ कम कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का, लेकिन आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली बनता जा रहा है. ऑलराइट, सो व्हाट डू यू गाइस डू? आप क्या करती हैं? आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड आई एम आल्सो एन ऑथर. ओके. सो आई प्रैक्टिस प्राइवेटली राइट नाउ. अच्छा, हम थोड़ा सा उर्दू में बात करेंगे ताकि सब लोगों को समझ आए. जब हम डोमेस्टिक एंड व्हाट डू यू डू रबिया, आप क्या करती हैं? मैं भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं. आई एम आल्सो अ टीचर एज वेल एंड प्रैक्टिसिंग एज वेल. तो आप पढ़ाती हैं साइकोलॉजी? पढ़ाती हैं जी, क्लिनिकल साइकोलॉजी. मनो ओपन विद दिस, असल में हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस की वजूहात क्या होती हैं, और क्या डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ और सिर्फ ख्वातीन पे ही होता है, मर्दों पे नहीं होता? अच्छा, पहले तो इस चीज़ को डिफ़ाइन करने की भी ज़रूरत है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस के ज़ुमरे में क्या क्या चीज़ें आती हैं. तो मैं मुख्तसर उसमें बता दूं कि उसमें फ़िज़िकल वायलेंस है, वर्बल वायलेंस है, फाइनेंशियल अब्यूज़ है और इमोशनल अब्यूज़ है. तो वजूहात की अगर हम बात करें तो उसके मल्टीपल लेवल्स हैं, जिसमें हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी देखेंगे, यानी कि आपके ज़ाती फैक्टर्स, आपको गुस्सा कितना आता है, आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, और उन्हें सोशल लेवल जो है वो क्या चीज़ें हैं जो कि इस चीज़ को इनेबल करती हैं. यानी कि अगर सोसाइटी में कोई किसी को हर्ट कर रहा है तो विक्टिम की ही काफ़ी सारी चीज़ें क्वेश्चनेबल हो जाती हैं कि जी आपने कुछ ऐसा कहा होगा जिसकी वजह से उनको गुस्सा आ गया होगा. तो सोसाइटी जो है वो उतनी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेती है. अच्छा, ये जुमला बड़ा सुनने को मिलता है, आपने कुछ ऐसा कहा होगा जिसकी वजह से उनको गुस्सा आ गया होगा, उनका हाथ उठ गया होगा, मारा गया होगा, ये सब कहा जाता है. जी बिल्कुल. तो ये है, और जाहिर है हर डोमेस्टिक वायलेंस में हर इंसान आ जाता है, मतलब कि पेरेंट्स भी आ सकते हैं जो कि वायलेंस बच्चों के ऊपर कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, और एल्डर्स के ऊपर भी वायलेंस हो सकती है. तो इसमें जो भी फैमिली रिलेटेड या फैमिली मेंबर जो वायलेंस करते हैं या अब्यूज़ करते हैं, ये डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर फॉल करता है. और फीमेल ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ज़्यादा प्रोन हैं इस हवाले से. सो हियर्स माय क्वेश्चन, जो बच्चों को मारा जाता है वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के ज़ुमरे में आता है? हाँ जी. अगर हाथ उठाया जाए उन पे तो? जी बिल्कुल. आई वुड लाइक टू से हियर कि वायलेंस को भी हम थोड़ा सा तशरीह कर देते हैं ना. वायलेंस क्या है? जब ज़बरदस्ती फोर्सफुली किसी से कुछ भी करवाया जाए, किसी से कुछ भी करवाया जाए फोर्सफुली, तो आप इसमें चाहे वो पेरेंट्स ज़बरदस्ती कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, चाहे वो हम हमेशा, क्योंकि वायलेंस जो है ना वो होता है जेंडर बेस्ड वायलेंस हो गया, आजकल बहुत ज़्यादा इस पर काम भी हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं,
लेकिन बेसिक चीज़ें नहीं समझ रहे. वायलेंस एक एग्रेसिव बिहेवियर है. अगर हम बिहेवियर को समझ लें और बिहेवियर पे काम कर लें तो बहुत सी चीज़ें आसान भी हो जाएंगी और उनको कंट्रोल करना, मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा. तो जो टीचर्स मारते हैं या जो टीचर्स कभी कभी पनिशमेंट देते हैं तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के जुमरे में आता है. जब हम डोमेस्टिक कह रहे हैं तो हम ज़्यादातर घर की बात कर रहे हैं और क्लोज फैमिली की बात कर रहे हैं, करीबी वो लोग जो एक साथ रहते हैं. ओके ओके जी, कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, यही कि डोमेस्टिक वायलेंस में जो घर के रिश्ते हैं आपके वो आते हैं. और एक फैक्टर और है जैसे आयला ने हाईलाइट किए, इसका हॉलो देख लीजिए, दोनों माइक्स का, इनका भी तीनों का हॉलो देख लीजिए जी प्लीज. लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी एक फैक्टर है जो कि इसको मेंटेन करता है वायलेंट बिहेवियर को. कि अगर कोई वायलेंट हो रहा है और उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज वो फेस नहीं कर रहा तो चांसेस आर कि वो मजीद उस बिहेवियर को प्रोड्यूस करेंगे और जो उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो भी ये सीखेंगे कि अच्छा जी, हमारे मुल्क में 75 साल में किसने कॉन्सिक्वेंस फेस किया? पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं किया? मतलब आई मीन कॉन्सिक्वेंसेस तो हमारे मुल्क में है ही नहीं है. तो मतलब वो तो छोड़ दें, उस बात को तो हम छोड़ देते हैं. जी यही चीज़ है कि जैसे आपने कहा कि कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, इसी वजह से इस तरह के केसेस भी आए दिन बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं. और एक दूसरे को देख के सीखना कि अगर एक ने गुस्सा किया, क्योंकि गुस्सा कंट्रोल करना बनिस्बत मुश्किल है इसके कि आपको गुस्सा आया और आप उसे निकाल दें. ठीक है, अब आप गुस्सा निकाल रहे हैं और कोई आप कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस नहीं कर रहे तो आपको जितने लोग ऑब्जर्व करेंगे वो भी ये सीखेंगे अच्छा जी बड़ा आसान है, हम क्यों कंट्रोल करें अपने ऊपर जब कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है. अच्छा, हमारे यहाँ जब रिलेशनशिप की बात आती है तो हस्बैंड एंड वाइफ की बात सबसे ज़्यादा आती है, पहले आती है. शादी से पहले वाला जो मसला होता है वो बड़ा कमाल होता है. मतलब शादी से पहले आप अपने बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं, रात को 4-4 बजे तक जाग के बात हो रही होती है, सुबह कॉल हो रही होती है, तुम उठ गई तुमने, एंड देन शादी के बाद ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग. वजह क्या होती है? जाहिर सिंपल सी बात है, हम बहुत ज़्यादा ना मीडिया देख के और फिल्मी बातें सुन के बड़े होते हैं. ठीक है, हमारे यहाँ अभी तक पाकिस्तान की बात करूँगी, प्री मैरिटल कोचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है. शादी से पहले अगर आप बातचीत कर भी रहे तो वो बातचीत क्या होनी चाहिए, उसमें सवालात क्या होने चाहिए, एक दूसरे से ज़हनी हम आहंगी कैसे चेक होगी, कैसे मालूम पड़ेगा कि हम जो है वो सही डायरेक्शन में एक गुड लाइफ पार्टनर चूज़ कर रहे हैं. हम तो बस वाव हो जाते हैं ना, हम वाव हो जाते हैं और वो वाव एक गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर देता है. नहीं, वो तो मैं आई एग्री विद दिस कि हमको ना शादी के लिए तैयार किया ही नहीं जाता. हमें वो फिल्में दिखाई जाती हैं जो शादी से पहले की फिल्में होती हैं. जो शादी के बाद वाली होती है ना वो दिखाई नहीं जाती. मतलब यू नेवर नो एग्जैक्टली कि शादी के बाद. जाहिर इसके लिए कोई स्कूलिंग नहीं होती. नहीं, कोई कोचिंग नहीं होती, कोई स्कूलिंग नहीं होती. एज अ कोच मैं करवा रही होती हूँ और मैं यही बता रही होती हूँ कि देर आर सर्टन वेज यू बिहेव और उन बिहेवियर्स में आप ढूंढते हैं कि जी मेरी वाइब मैच कर रही है कि नहीं. अब ये आज जेन ज़ी की लैंग्वेज भी इस्तेमाल हो रही है, वाइब मैच कर रही है कि नहीं, एम आई वाइबिंग विद दिस पर्सन और नॉट. वो बहुत वाइब मैच करती है और उसके बाद जब बिजली के बिल्स आते हैं, जब बच्चों की पैसे देने पड़ते हैं, फिर वाइब पता नहीं कहाँ चली जाती है, फिर वो मेरी तो उससे वाइब ही नहीं मिल रही है ना. हैरानी हो कि 39% जो वायलेंस होती है या इंटरमेट पार्टनर वायलेंस होती है वो बिफोर मैरिज ही स्टार्ट हो जाती है. कुछ साइंस आ रहे होते हैं जो रेड फ्लैग्स आ रहे होते हैं बिकॉज आप अच्छी एक्सपेक्टेशन और अच्छी होप के साथ आगे मूव करना चाह रहे होते हैं मैरिज में, तो वो सब चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं. बट साइंस स्टार्ट बिफोर, जैसे उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है कि किन चीज़ों को आपको देखना है. मैं टेलीफोन कॉल लूँगा, अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं और आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है तो गिव अस अ कॉल. यू डोंट हैव टू टेल योर नेम, आप अपना नाम ना बताइए, सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है. डोमेस्टिक वायलेंस किसी भी किस्म का हो, आई थिंक हमको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर यासीन शफीक साहब, तशरीफ रखते हैं, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक. बहुत बहुत शुक्रिया सर. हम सब ने डोमेस्टिक वायलेंस की बात की, ये तो पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें इसके ज़ुमरे में आती हैं. सर ये शुरू क्यों होता है? व्हाई, वेयर डज इट स्टेम फ्रॉम? आई थिंक इट स्टेम्स फ्रॉम इम्बैलेंस ऑफ, कह सकते हैं कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है और कॉम्प्रोमाइज़ की कमी, एक तो ये बहुत बड़ी वजह है. सोशल इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है. शादी में तो जज्बाती हो के यंग कपल्स जो है ना इंगेज हो जाते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि जब रियलिटी फेस करते हैं और जब रियल लाइफ में, जैसे आप थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे साहिर, बिल्स आते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों को ब्रॉटअप करना होता है, स्कूल लेके जाना होता है, और जैसे जैसे हमारा सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है मुल्क का,
वहाँ पर दबाव भी बढ़ रहा है लोगों पे, यंग कपल्स पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है. दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस, क्योंकि वो जो प्रेशर और स्ट्रेस दोनों तरफ से आ रहा होता है वो घर आके एक दूसरे पे निकल रहा होता है और वो एक अच्छा इंटरेक्शन नहीं होता. अच्छा, साइंस क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे, बट लेट्स से हेलो टू लियाकत भाई. लियाकत भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं. घरेलू तशद्दुद एक संगीन मसला है जो न सिर्फ मुतासर अफराद की जिस्मानी सेहत बल्कि उनकी जहनी और जहनी और जज्बाती सेहत पर भी गहरे असरात डालता है. इसके नतीजे में खौफ, बेचैनी, डिप्रेशन और खुद एतमादी की कमी जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं. बच्चों पर भी इसके मनफी असरात मुरतब होते हैं जिनमें तालीमी कारकर्दगी में कमी, जज्बाती अदम इस्तेकाम और समाजी मसाइल शामिल है. घरेलू तशद्दुद के शिकार अफराद को फौरी मदद और सपोर्ट फराहम करना इंतहाई जरूरी है कि वो इस मुश्किल सूरत हाल से निकल सके और अपनी जिंदगी को दोबारा मामूल पर ला सके. ऑलराइट जी, सो हम जो बात कर रहे थे वो आप बता रहे थे, आपके पास जो केसेस आते हैं उनमें ये सारी चीजें होती हैं, क्या रिलेशनशिप्स खत्म भी हो जाती हैं, डिवोर्सेस भी हो जाती हैं इसकी वजह से, या दोबारा से रिकंसिलेशन पे चले जाते हैं? देखिए, उसमें होता ही है कि सबसे पहले तो इनका जो रिलेशनशिप होता है वो ब्रेक होता है. जो बीवी होती है वो तशद्दुद का जब शिकार बनती है तो उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं. एक ऑप्शन ये होता है कि वो सबसे पहले पुलिस के पास जाती है, वहाँ जाके अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ जो है शिकायत करती है. अगर वो ज़ख्मी हो जाती है तो शिकायत करने के बाद अपने मेडिकल करवाती है और वो कानूनी कार्रवाई की तरफ बढ़ जाती है. कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको ज़्यादा तशद्दुद का शिकार नहीं होती, लेकिन वो कोशिश करती हैं कि अपनी फैमिली के पास वापस जाती हैं और वहाँ जाके माँ बाप की जो है ना फैमिली सपोर्ट लेती हैं और उनके ज़रिए जो है ना बाज़ुकात तो वो दोनों फैमिलीज़ के भी झगड़े हो जाते हैं. दूसरी फैमिली को जब पता चलता है कि हमारी बच्ची वहाँ से पिट के आई है या मार खा के आई है तो वो जाके उसको दूसरी फैमिली पर अटैक भी जाके करते हैं और झगड़ा बढ़ जाता है. और बाज़ुकात ऐसा भी होता है जो सुलझे हुए लोग होते हैं वो बजाय लड़ाई झगड़ा करने के वो कोर्ट में आते हैं, वो आके सूट फॉर डेजोनेशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला, क्योंकि लड़की कहती थी मुझे किसी सूरत में जो है ना उस शख्स के साथ नहीं रहना, क्योंकि वो एक ज़हनी मरीज़ है, वो नफ्सियाती है, मुझे खर्चा नहीं देता है, तशद्दुद करता है, झूठे इल्ज़ाम लगाता है, उनको मारता है और मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना गुजारा किया है उसके साथ जो है ना, तो मेरा रहना बहुत मुश्किल है और मैं उस शख्स के साथ रहने को जो है ना मरने को तरजीह दूंगी. फिर वहाँ से जो है ना लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है. फिर जब खुला का केस दाखिल होता है तो अदालत जो है दूसरी पार्टी को बुलाती है, उसको नोटिस करती है. मीनवाइल अगर बच्चे माँ के पास होते हैं तो बाप फिर गार्डियनशिप की तरफ से चला जाता है, गार्डियन वार्ड के केस फाइल करता है, जी मेरे बच्चों से मेरी मीटिंग करवाई जाए. एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है ना शुरू हो जाता है और दोनों जो है अदालतों के जो है चक्कर काटते हैं और बीच में जो नुकसान होता है वो सबसे ज़्यादा बच्चों का होता है और दोनों ख़ानदानों में एक दरार पड़ जाती है, दोनों ख़ानदानों में एक दुश्मनी पैदा हो जाती है. ये लिटिगेशन का सिलसिला जो है ना सालों साल चलता है. ये जो है ना एक डोमेस्टिक वायलेंस की जो है एक किस्म है. कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं कि जहाँ पे हम देखते हैं कि हस्बैंड जो है वो रियलाइज़ करता है या उसकी जो फैमिली होती है वो उसको रियलाइज़ करके वो कोशिश करते हैं कि रिकनसाइल करने की, कि हमारी रिकनसिलिएशन हो जाए और वो वहाँ पे आके फिर जो है उनकी एक फैमिली सेटलमेंट डीड बनती है. दोनों बैठ के कंप्रोमाइज़ करते हैं, जी जो लड़की के जो मुतालबात हैं वो हम मानने को तैयार हैं और लड़का जो है ना आइंदा दोबारा इस तरह की कोई हरकत जो है ना नहीं करेगा, अगर वो करेगा तो जो है ना उसकी बाकायदा गारंटी ली जाती है. लेकिन ये एक वाकयात हमने देखा कि अगर एक दफ़ा जब ये सिलसिला शुरू हो जाता है कभी रुकने का नाम नहीं लेता जो है ना. फिर कोशिश ये होती है कि दोनों मियाँ बीवी की जो है ना वो पहले वाली जो बात होती है कि जो एक दूसरे की इज्जत एहतराम जो है ना एक दूसरे का ख्याल रखना वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और फिर हम देखते हैं कि ये छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़े झगड़े जो है शुरू होते हैं. ज़्यादातर ख़वातीन जो है यही हमारे पास जो केसेस आए हैं बेसिक चीज़ यही होती है कि हस्बैंड की तरफ से काम काज न करना, बीवी की तरफ से उसको इंसिस्ट करना कि जी आप जाओ काम काज करो, हमें खर्चा दो, या छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा करना, या बीवी के बाज़ अवकात तो ऐसा भी होता है. ये लाजमी नहीं कि जो है शोहर और बीवी का झगड़ा हो, बाज़ अवकात हम ये भी देखते हैं कि नंदे भी उसके अंदर जो है मुलव्वस होती हैं, उसकी सास ही मुलव्वस होती है बढ़ाने में, उसको बढ़ाने में और उसमें जो है ना बाकायदा अपने बेटे का घर खराब करने में. और ऐसा भी होता है कि मियां बीवी अगर दोनों राजी खुशी रहते हैं तो एक दूसरे को जो है ना भड़काने की कोशिश करते हैं जो ना उनके फैमिली वाले. इलाके में रुकिएगा, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं. छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद. Alright, you once again, welcome back and let's open up the forum. Nadeem bhai, paise kaise banaye jaate hain? Jab ek aadmi pe bojh hoga na, to aap paise nahi kama sakte. Aur ye social media ke through, chahe bachcha ho, bada ho, maa ho, dadi ho, nani ho, har koi paise kama sakta hai.
आप देखें सोशल मीडिया में कोई एज ब्रैकेट नहीं है, कोई 8 साल का बच्चा मशहूर हो जाता है, ही मेक्स मिलियंस, 80 साल की दादी अम्मा नानी अम्मा वो पैसे कमा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, नहीं अब तो दादी तुम बहुत बूढ़ी हो, अब वो दादी बड़ी काम की हो गई है, क्योंकि वही दादी ऐसा सोशल मीडिया में कंटेंट बनाते हैं और ऐसा क्रिएट करते हैं कि बिलियंस ऑफ व्यू आ जाते हैं, दादी नानी वालदा, और जो माँ की डांट होती थी अब उनको भी ऑन एयर कर रहे हैं, वो भी बड़े अच्छे। तो ये कंटेंट देखिए बेसिकली पहले एक होता था कि एक आदमी कमाता था 6 खाते थे, अब इस सोशल मीडिया से ये है कि हर कोई कमा सकता है और फिर आप जो है अमीर हो सकते हैं। जापानीज थिंकिंग रखें, जापान में क्या है, जापान में वो कहते हैं कि वो काम करो जब रात को सो रहे हो ना तो सुबह उसकी तलब हो कि मुझे इस काम के लिए जाना है, तो आपको उस काम से मोहब्बत होनी चाहिए। और इस काम में मैंने देखा है बच्चे बड़े हर कोई बड़े शौक से जज्बे के साथ आते हैं, पैसे कमा सकते हैं, मगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स भी लोग करते हैं। वो मिस्टेक्स क्या है, मिस्टेक्स ये होते हैं, जरा बैकग्राउंड खोल दीजिएगा प्लीज, बार बार मैं इशारे कर रहा हूँ, थैंक यू जी। देखिए यहाँ पे जब पैसे कमाने के तरीके आते हैं तो हर कोई समझता है कि इसका वीडियो वायरल हो गया मेरा भी हो जाएगा। अच्छा अपना कंटेंट क्रिएट नहीं करते, वायरल हो गया तो उस पे रनिंग कमेंट्री देनी है, ये भी तो होता है। कंटेंट से कंटेंट निकालना कहते हैं उसे बेसिकली, क्या कहते हैं, कंटेंट से कंटेंट निकालना, किसी और की वीडियो के व्यूज लेके अपने पास खींचना, किसी का नाम इस्तेमाल करके, बिल्कुल अपना क्रिएट करना चाहिए। देखिए जब आप कोई भी चीज अपनी क्रिएट करते हैं, मैंने बहुत से सोशल मीडिया में देखे हैं कि वो बाप बेटी और भाई तीनों गाना गा रहे हैं, फिर मैंने देखा है दादा दादी फिर पोती गाना गा रही है, मतलब वेरिएशंस देखे हैं मैंने। फिर मैंने बहुत से ऐसे भी वीडियोस देखे, देखिए हम सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ आते, नहीं यार ये जो है ना सही नहीं है टिकटॉक ये नहीं है, मगर आप देखें बहुत से टिकटॉक्स में मैसेजेस होते बच्चों के लिए बड़ों के लिए, मैंने एक वीडियो देखा था उसमें ये कहा था कि आप जो है एहतराम नहीं कर रहे अपने बुजुर्गों का तो अमीर कैसे होंगे, तो हर जगह बोला जाता है, लेकिन देखिए मगर वो जो मैं आई एम नॉट अगेंस्ट एनी प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म्स तो प्लेटफॉर्म्स ही होते हैं, उसके अंदर अगर आप चाइना में चले जाएं तो यही प्लेटफॉर्म बड़े दूसरे तरीके से इस्तेमाल होता है। Exactly. लेकिन मसला ये है कि हम जो लोग हैं ना, हमें नहीं भाई मेरा आपसे इख्तलाफ कहाँ आता है, हम रियलिस्टिक नहीं है, ओरिजिनलिटी तो है, हम रियलिस्टिक नहीं है, हम कभी भी ना वी गो राउंड एंड सर्कल्स, अभी यहाँ से पकड़ लिया। देखिए इशू एक में बात करूँ, इशू ये है भाई खुदा का वास्ता जो हम हैं उसे एक्सेप्ट कर लो। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ, आप उठा के देखें हमारी कोई न्यूज़ फीड उठा के देख लें, अमेरिका को धड़ल्ले से गालियाँ लिखी होंगी और जाना कहाँ है सबने, हमारी पॉलिटिकल जमातें उनके आशीर्वाद से चलती हैं, हमारे पॉलिटिकल लोग उनके आशीर्वाद से चलते हैं, हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट्स उनके आशीर्वाद से होते हैं, तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, हम या तो डिसाइड कर लें एज अ नेशन हम किधर खड़े हैं। अच्छा खैर एनीवे इस पे बहस नहीं है, अब जरा असल बात पे आते हैं, द मैटर इज भाई ये बताओ पैसा कैसे बनाते हैं। बेसिकली आई वुड से कि एक तो कंटेंट क्रिएशन है उसके ऊपर ना मैटर ये करता है, कौन से प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा पैसा बनता है, मेहनत इतनी इन्वॉल्व नहीं होती है, यूट्यूब इज अ प्लेटफॉर्म जो इंसान की पूरी जिंदगी कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर इफ आप लोग, अच्छा मैंने वो मजाक किया था इतना सीरियस, यू कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर्स राइट, तो अब नाउ वी आर गोइंग टू स्पीक फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, ठीक है, एंड ऑनेस्टली यू शुड, बिकॉज देखें लोगों को ये गलत फहमी है कि शायद यूट्यूब पे फॉरन पैसा बन जाता है, ऐसा नहीं, अरे लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया पे अक्सर वो लोग आते हैं जो बड़े वेलो होते हैं। आई टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, आई हैव डन ए एंड ओ लेवल्स, आई हैव गॉट वर्ल्ड डिस्टिंक्शंस इन ए लेवल्स, आई स्टडी इन लंडन, वहाँ पे आई एम डूइंग बिजनेस मैनेजमेंट, असाइड फ्रॉम दैट आई ऑल्सो ओन अ चैरिटी एंड आई मीन डू अ लॉट ऑफ अदर स्टफ, असाइड फ्रॉम दैट आई ऑल्सो डू सोशल मीडिया, इट्स बिकॉज आई लाइक इट, राइट, यू लाइक इट, ओके, सो आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर उठकर आ सकता है, ये स्किल होती है, बहुत सी लड़कियां कंटेंट बनाती है, हर किसी का कंटेंट अच्छा, लेकिन कश्यप एक बात बताइए ना, लेट्स से कि जी एक खातून है जो घर पे बैठी है या एक
साहब हैं जो घर पे बैठे हैं, वो एक ऐसी एज को पहुंच चुके हैं जहां वो काम नहीं कर सकते बट उनको पैसे की जरूरत है, तो उनको क्या करना चाहिए, सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? मैं एक एग्जांपल दूंगी, एक खातून है, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अब वो नौकरी भी नहीं कर सकती हैं। मैं उनको एक सजेशन दूंगी, वो घर पे बैठ के खाना बनाना शुरू करें, उसको सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करें, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करें, अपना एक ब्रांड बनाएं, उनको वहां से उनकी ऑर्डर्स चलना शुरू हो जाएंगे, एंड शी इज गोना बी फेमस। नॉट डू दैट हरसेल्फ, उनके जो बच्चे हैं वो उनको हेल्प आउट कर सकते हैं फॉर द प्रमोशन, एंड शी कैन मेक द फूड एट होम, बिकॉज ऑब्वियसली जो पुरानी जनरेशन है दे डू नॉट नो हाउ टू अभी तक भी इनकॉर्पोरेट सोशल मीडिया के जो भी चीज़ें हैं, बट द थिंग इज उनके बच्चों को तो पता है। तो मैंने बहुत सारी आजकल मैं देख रही हूँ, एक मैंने रिसेंटली भी एक केस पढ़ा था जिसमें जो उनके फादर थे वो माजूर हो गए थे, लाइक ही कैन नॉट वर्क नाउ, तो वो जो हम लोग माउथ फ्रेशनर्स नहीं खाते, ही स्टार्टेड मेकिंग दोज, और उनकी जो बेटी है वो पब्लिसिटी करी है उनकी ग्रुप में जाकर, तो इतने उनको बल्क ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं फ्रॉम जीरो टू ही इज नाउ अर्निंग सो मच फ्रॉम दोज प्लेटफॉर्म्स। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर, आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आप एक अच्छा मैसेज कन्वे करें, और ये नहीं कि कुछ भी कंटेंट उठा के आप क्रिएट कर दें, क्योंकि उससे आपको काफी लोग देख रहे हैं, उसमें कुछ भी कंटेंट पे पैसे बन जाते हैं, कुछ भी कंटेंट पे पैसे बनते हैं। लेकिन हमको वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक, और इस पे भी बनते हैं जो आप कह रहे हैं, इस पे भी बनते हैं डेफिनेटली, लेकिन इससे आपके बिजनेस को भी प्रमोशन मिलती है। आप यू नो बाय डिफॉल्ट बहुत दूसरी जगह पे आप काम कर सकते हैं। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कट गई जी। सो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए? उन्होंने कहा यूट्यूब। मैं अपना बताती हूँ, मैं खुद इंस्टाग्राम पर ही सबसे ज्यादा एक्टिव हूँ। इट्स बीन मोर देन 6 इयर्स आई एम डूइंग ब्लॉगिंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग, और मैं मतलब सोलो ट्रैवल भी किया है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। एंड मैं ये बोलूँगी कि मैं जो भी लड़की ब्लॉग एक स्टार्ट करना चाहती है उसके लिए, सब कहते हैं ना ब्लॉगर ही तो तुम कैसे कमा रही हो, तो उसमें हम लोग जो कमाते हैं वो होती है स्पॉन्सर्ड पोस्ट होते हैं, अगर हम ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो वी चार्ज फ्रॉम देम। ओके, स्पॉन्सर पोस्ट से आप कमा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से कमा सकते हैं, आप ब्रांड्स के साथ एफिलिएट प्रोग्राम करते हो, आप उनकी चीज प्रमोट करते हो, आपका वो डिस्काउंट कोड होता है एंड आप उससे अर्न करते हो। यू डोंट हैव टू टेल मी एग्जैक्टली, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा। सो लेट्स से कि एक ब्रांड आपके पास आता है, वो आपको कहता है कि जी आप मेरी पोस्ट लगा दें, तो उसका आप एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करते हो, ठीक है, मैं वो अमाउंट नहीं पूछ रहा, लेकिन ये 6 साल का सफर है, ये कल नहीं हुआ है। Exactly. Please do understand this. अगर कोई ये कहे ना कि ये कल हो गया तो कल ये नहीं हुआ। मैं बताती हूँ, आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। ब्रांड्स भी हर किसी को नहीं अप्रोच करते। ऑनलाइन एक्टिविटीज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब से कर रहे हैं और फेसबुक में भी मेरे ख्याल से अब ये चीज स्टार्ट हो गई है, मुझे तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके ऊपर, लेकिन लोग कर रहे हैं व्लॉग बनाकर या कॉन्टेक्ट बनाकर अपने, लेकिन सही से, ऐसा नहीं किसी को बदनाम कर इस तरह से नहीं कमाया जा सकता। अपने कंटेंट यूट्यूब के ज़रिए वहाँ पे डालो, आपको टास्क दिए जाते हैं उसे अचीव करें, उसके बाद आपकी इनकम अच्छी आने शुरू हो जाती है। काफ़ी व्लॉगर्स ने इस तरह अपने अपने घर बनाए हैं। सोशल मीडिया पे आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हज़ारों लाखों लोग मिल जाते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट, आपकी सेलिंग स्किल्स ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लोगों से कनेक्ट होते हैं और अपनी प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से मार्केट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पैसे आप कॉन्टेंट राइटिंग की तरफ बहुत सोर्स है, IT सेक्टर हमारा बहुत अच्छा है, यूट्यूब से हमारे क्या कहते हैं बहुत वो है, इंस्टाग्राम से आप इन्फ्लुएंसर्स को वो करके, अगर आपको अपना बिजनेस है, होममेड बिजनेस है, उसको आप एडवर्टाइज कर सकते हैं यहाँ से, उसके जरिए पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि आपका मासेस आपका यहाँ पर हैं, हर तबके का, हर एज का बंदा आपका मौजूद होगा सोशल मीडिया के ऊपर, तो आप यहाँ से बिल्कुल आराम से पैसे कमा सकते हैं। अच्छी वीडियो डाल के, अच्छे व्लॉग बना कर, अच्छा ट्रेंड दिखा कर पैसा कमा सकते हैं। लोग लाइव पे आते हैं अपने, जो है ना वो एड्स वगैरह उसके अंदर अपने प्रमोशंस वगैरह के तरीके आते हैं, इस तरह कमाते हैं वो लोग। व्लॉग्स का कंटेंट आपका अच्छा हो, आप जो है अपना मोटिव आपका अच्छा हो, तो आप पैसा ज़रूर कमा सकते हैं। आप काफ़ी चीज़ों से पैसे कमा सकते हैं, जैसे व्लॉगिंग कर सकते हैं, कुछ अच्छे काम कर सकते हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। All right, जी, once again, welcome back. मुझे कॉल दे दीजिएगा, आप इशारा कर रहे थे तो it's fine. So, अभी जब सब लोग जो बात करें, बन सकता है पैसा, बन सकता है YouTube से पैसा, बन सकता है, हम घर की बात करते हैं, let's start from home. कि और ये anyone and everyone can jump in. मुझे बताइए घर पे बैठ के क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसको करके हम पैसा बना सकते हैं? मतलब के तरीके होते हैं जो नॉर्मल जॉब्स होती हैं, लाइक डेटा एंट्री जॉब्स, वो कोई भी कर सकता है। आपने अगर कम भी पढ़ा हो, ज़्यादा भी पढ़ा, आपको सिर्फ टाइपिंग आनी चाहिए,
कंटेंट राइटिंग जॉब्स। अच्छा, ये आप घर बैठे कर सकते हो? घर बैठे आप करें, आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और एक लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए। सोशल मीडिया हैंडलिंग, लोग अपने पेज हैंडल करवाते हैं। कॉल भी ले लीजिए, कॉल आई हुई। जस्ट से हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ये भी बिल्कुल ठीक है और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप माशा का अल्लाह ताला आपको ऐसी हंसता मुस्कुराता रखे। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, तो मैं आप कुछ बताना चाहें, आप कुछ पूछना चाहें, बताना चाहें जरूर। जी जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे मतलब जरूरत भी है तो मेरे फादर भी नहीं है, मेरे भाई भी नहीं है, तो मुझे आप गाइड कर दें कि मतलब कैसे इंस्टाग्राम पे आप पैसे कमा सकते हैं, मुझे पता नहीं है मतलब। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप पैसे ऐसे कमा सकते हैं, आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हैं तो आप उसको मार्केट करके जो है कि आप खाना बनाती हैं तो खाने के कपड़े की सिलाई करती हैं, पहले तो आप एक्सप्लोर करें कि आप किस चीज में अच्छी हैं और आप क्या काम करना चाहती हैं, या अगर फेसलेस इंस्टाग्राम्स भी बन रहे हैं बहुत ज्यादा और उससे भी लोग अर्न कर रहे हैं, आपको अगर अपनी शक्ल दिखानी है। दोबारा बताइएगा फेसलेस क्या होता है? शक्ल की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। काफी लड़कियां आती हैं जो नकाब के साथ आती हैं, प्रॉपर पर्दे में भी आती हैं, और ऐसा भी होता है सम पीपल आर नॉट कंफर्टेबल इन शोइंग देयर फेसेस, तो फिर ये है कि आप उसके बगैर भी यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अक्सर लोग अपनी आवाज की बेसिस पे वायरल हो जाते हैं, जैसे इसका एक एग्जांपल यूजीसी कंटेंट क्रिएटर्स हैं। बिल्कुल, तो वो प्रोडक्ट वीडियो बनाते हैं। यूजीसी, यूजीसी बता दीजिए, यूजर जनरेटेड कंटेंट, प्लीज जरा थोड़ा सा बता दीजिए क्या होता है। इसमें ये होता है कि इवन इफ यू डोंट वांट टू शो योर फेस तो आप प्रोडक्ट की वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। खाने की वीडियोस हो गई, फूड फोटोग्राफी, बारे में बात होता है, ज्यादा मनी जनरेटिंग टैक्टिक है। exactly. क्योंकि इसके अंदर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो, कंपनीज डायरेक्टली आपको देखती हैं, एंड देन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो रहे हैं, प्लस आप उनके लिए एड्स के लिए वो लोग आपको हायर करते हैं, अगर उनको मार्केट करवानी है ना और जो एड्स चल रहे होते हैं तो वो प्रॉपर आपसे बनवाएंगे वो और आपको पे करेंगे। तो ये कल मैं एक सॉरी प्लीज गो अहेड। नहीं नहीं, तो ये कुछ तरीके हैं, तो कुछ ये अगर तरीके आपको ना समझ आए तो फिर और भी तरीके हैं, कॉन्टेंट राइटिंग है, डेटा एंट्री है, आप अगर कपड़े सीती हैं वो आप सी के बेच सकती हैं, तो ये सारी डिफरेंट चीजें। देखो, एनीथिंग दैट हैज टू डू विद लाइफ, कोई भी चीज जो जिंदगी से मुताल्लिक है। आप देखें, मुझे 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 हमेशा लगता है माय अम्मा इज नॉट वेल, लेकिन मेरी हमेशा से ख्वाहिश होती अगर अम्मा कोई कंटेंट करती तो मैं उनसे कहता कि अम्मा कोई मोटिवेशनल बताइए। मेरे फादर जो हैं उनसे मेरी ख्वाहिश होती कि वो शायरी पढ़ के सुनाएं, बिकॉज आई थिंक देयर गुड विद दैट ना। इसी तरह से अगर आपने बच्चों की कहानियां आपको याद हैं, पुरानी कहानियां याद हैं, आप वो नरेट कर सकते हो। किसी बहुत बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है, एक ही आपका मोबाइल फोन आपके पास होना चाहिए, एक कुर्सी होनी चाहिए और बैठ के आप कैमरे से बात करें, दैट्स ऑल यू नीड। देखिए, एक बात और याद रखिएगा, शुरू में पैसा नहीं बनता, लेकिन उससे अनलेस के यू नो यू स्ट्राइक गोल्ड, अनलेस के कोई ऐसी बात हो जाए जिससे एकदम से वो वायरल हो जाए, आपको 6 महीने से साल लगता है बिफोर यू गेट इन टू द ग्रूव। वाकई जब आप पैसा बनना शुरू होता है 6 महीने से साल लगता है, तो घबराइए नहीं। देखिए, मैं अक्सर लोग मेरे पीछे लगे होते हैं कि यार भाई आप ये करें, वीडियो बनाएं, आप ये डालें, बनाएं, आई एम नॉट दैट टाइप, मुझसे होता नहीं है। क्या मैं जिंदगी में कभी ये नहीं करूँगा, ये मैं नहीं जानता। हो सकता है वन डे आई डिसाइड कि जी मुझे एक व्लॉग करना है, मुझे बैठ के कैमरे के सामने बात करनी है, मैं कर लूँ, बट यू नो दिस इज योर टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि हम में बहुत टैलेंट है, सलाहियतें बहुत हैं, हम सब के अंदर सलाहियतें बहुत हैं। आई थिंक हमारी जो चॉइसेस हैं कहीं कहीं वो इधर उधर हो जाती है, अदरवाइज तो ऑफ कोर्स सोशल मीडिया इज द न्यू वेव, दैट्स व्हाट इट इज। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। या श्योर। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस की। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं, देन वी ऑल कैन जंप इन। तो प्लीज़ टेल मी, जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो ज़्यादा एम्फेसिस जो होता है वो हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप पे ही होता है, और उसमें भी हम ज़्यादा जो देते हैं एम्फेसिस देते हैं वो देते हैं कि शायद ख़वातीन के साथ ये वायलेंस जो होता है वो हो रहा है, और वो होता भी है। इसकी मुझे वजूहात बताइए, ख़वातीन इसमें कितना पार्ट प्ले करती हैं और मर्द कितना पार्ट प्ले करते हैं? ओके, सो लाइक हमने शुरू में बात की थी कि कोई भी इसका शिकार हो सकता है,
और अगर हम वजूहात की बात करें तो जैसे साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया कि पावर और कंट्रोल का काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस होता है. तो एक इंसान जो आपसे कोई एक चीज़ करवाना चाह रहा है, अपनी बात मनवाना चाह रहा है, और आप उस तरीके से नहीं रिस्पॉन्ड करें, फॉर एग्ज़ाम्पल, या फोर्स आपके ऊपर असर्ट करें और आप फोर्सफुली जो है वो नहीं करना चाह रहे कोई चीज़, तो इट कैन एस्केलेट टू वायलेंस. एंड समटाइम्स द पर्सन इज़ कम्प्लाइंग और फिर भी वायलेंस है. तो आप कंट्रोल और पावर का एक तो इशू है, और दूसरा जब भी मैं कहती हूँ कि वैसे तो हर कपल के हर डिसीजन में सबकी इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस में कहा जाता है कि ये पर्सनल मामला है. डोमेस्टिक वायलेंस इज़ नॉट अ पर्सनल मैटर. आपके नेबर्स में कोई हिट कर रहा है किसी को, तो कोई कुछ भी नहीं कर रहा. बोली जाती है, मर्द खास तौर पे बोलते हैं, अबे तेरा भाई तो किसी से नहीं डरता. आई मीन आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट अ कूल थिंग. डरने की डरता तो कोई भी किसी से नहीं है. आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और रिलेशनशिप में आप मैनेज करके चलते हैं, एडजस्ट करके चलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं. एक टेलीफोन कॉल, टेलीफोन कॉल के बाद. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. आपका नाम? जी मेरा नाम मुदस्सिर फ्रॉम कराची. जी मुदस्सिर, क्या कहना चाहते हैं? ड्रॉप हो गई मदरसे की कॉल. जी अच्छा, मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करूँगी. इसके अलावा एक फिनोमेना होता है डिस्प्लेसमेंट का, कि आप जो आपके बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस हो सकती हैं, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू द पर्सन जिस पे आप वॉयलेंट हो रहे हैं, लेकिन आप वॉयलेंट उस पे हो रहे हैं जो आपके सामने कमज़ोर है, जिस पे आप वो फ्रस्ट्रेशंस निकाल सकते हैं, जो ईजी टारगेट है और पता है जो छोड़ के नहीं जाएगा, जो डिपेंडेंट है, जिस पे वो कंट्रोल आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप उस इशू को एड्रेस नहीं कर रहे, आपने यहाँ आके अपने इंपल्सेस को जो है लूज कर दिया. कभी कभी उसका मीटर घूम जाता है, फिर वो चला भी जाता है, फिर आप लोग नाराज होते हो, फिर ये बोलते हो ये तो आदमी सही नहीं था, ये तो आई आई. सो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, बिकॉज रिसेंटली एक्सपीरियंस विद अ फ्रेंड ऑफ माइन. वो मैंने आपको भी बताया भी था उनके बारे में, वो इंतहाई अच्छे आदमी हैं. वाकई मैं उनके लिए बारे में वाउच कर सकता हूँ. वो बेचारे हर उस जगह वायलेंस का शिकार हुए, जो नहीं होना चाहिए. I'm really sorry. फिर उसके बाद जाहिर है उन्होंने अगर कुछ किया तो फिर ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए. एक टेलीफोन कॉल अच्छी हो. दिस इज ऑनलाइन. अस्सलाम वालेकुम. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक. आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक. जी बताइए. जी मैं सुमेरा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से. ऑलराइट सुमेरा, बोलिए क्या कहना चाहती हैं? एक्चुअली मैं कहना ये चाहती हूँ कि ये जो औरतों पे बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं ना, ये बहुत गंदी बात है. और मैं खुद इस टॉर्चर से गुजरी हूँ, तो मुझे अंदाजा है कि जब औरत को मारा जाता है सबके सामने, इंसल्ट की जाती है, तो इंतहाई गलत बात है ना. ऐसे थोड़ी होता है भैया. आप लोग ये तो सोचो, हमारी भी बहन बेटी हैं, हमने भी शादी करनी है, हमने भी देनी है किसी को. और मेरी तो लास्ट 10-12 ईयर से सेपरेशन हो चुकी है इसी टॉर्चर की वजह से. फिर ये है ना कि हमारे जो दूसरे रिश्ते होते हैं ना, वो बजाय हमें सेव करने के, हमारी फेवर करने के, वो उठ के भाई गलत, जो गलत नहीं होता उसको भी गलत कर रहे होते हैं, सही को भी गलत कर रहे होते हैं. भाई इसको टॉर्चर करो जितना कर सकते. और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 4 साल साइकेट्रिस्ट रिव्यू करवाए हैं, और मैं इतना ट्रॉमा में चली गई थी कि मैं बता नहीं सकती. और मैं समझती हूँ, मुझे ये लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे फीमेल को सेफ्टी देनी चाहिए और उनको तहफ़ देना चाहिए, ताकि हमारी जो औरतें हैं वो बेचारी इस टॉर्चर से बाहर निकलें. कुछ तो ऐसे हैं घरों में घुट घुट के बेचारी मरी जाती हैं, कि हम किससे बात करें, क्या बात करें, समझ से बाहर है ये सारी चीज़ें. अभी आपने जो चीज़ कही ना सुमेरा, वो बिल्कुल सही है. हम दूसरे की बेटी पे तो जुल्म कर लेते हैं, लेकिन कोई हमारी बेटी को हाथ लगाए तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता. नहीं, वो तो मकाफाते अमल है ना साहिब, ये तो मकाफाते अमल है. अगर आप किसी की बेटी के साथ कर रहे हैं तो आपकी बहन बेटी के साथ तो जरूर आएगा. बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच सुमेरा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. लियाकत भाई क्या कहते हैं? बिल्कुल बहन ने सही कहा कि देखें, ये डोमेस्टिक वायलेंस तो हो रहा है, और इसी को देखते हुए हमारी हुकूमत ने कानून साजी भी की है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया है. और उस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर भी बाकायदा जो है अदालत ने, अदालतों को इख्तियार दिए गए हैं, ऐसी खवातीन जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, जिनको उनके शोहर की तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है. देखें तशद्दुद की किस्में, घर से बाहर निकाल देना, बच्चों से ना मिलना, या उसको कैद करके रखना, या उसको तलाक की धमकी देना, ये भी सारी चीज़ें हैं. उसके लिए बाकायदा जो अभी पास आया कानून आया, उसके तहत सेक्शन 7 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो है हमने बहुत सारी कंप्लेनें फाइल की हुई हैं,
उसका प्रोसीजर ये है कि खातून को सबसे पहले तो अपने मुतलका थाने के अंदर कंप्लेन मूव करें, अगर वहाँ उसकी सुनवाई नहीं होती तो मुतलका अपने वकील के ज़रिए मुतलका अदालत के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस की प्राइवेट कंप्लेन जो है ना फाइल करेगी, ना सिर्फ हस्बैंड के खिलाफ बल्कि सास के खिलाफ, ससुर के खिलाफ, अपनी नंद के खिलाफ, बल्कि जो हर वो जो शख्स जो उसको उसके घरेलू मामलात में इंटरफेयर करता है या उसको तशद्दुद का निशाना बनाता है, चाहे उसकी फैमिली से हो या फैमिली से बाहर हो, उसके खिलाफ वो एक प्राइवेट कंप्लेन लेकर जाएगी। अदालत उसको जो है एडमिट करेगी, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और वाया SHO इलाका SHO के उसको शोकाज नोटिस इशू करेगी और तमाम लोगों को बुलाएगी। अगर वो नहीं आते तो उनके बेलेबल नॉन बेलेबल वारंट इशू करेगी, उनको जमानतें उनको करवानी पड़ेंगी सबको, और अदालत जो है ना वहाँ पर दोनों को सुनेगी। यहाँ एक सेकेंड लिया भाई, और मैं चाहता हूँ एवरी वन शुड जंप इन। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन एक हमारे बच्चों को और बच्चियों को तालीम ये दी जाती है कि तुम्हें अपनी मैरिज को हर सूरत में बचाना है, तो उसकी मर के ही निकलना, मर के तो अब नहीं कहते, थैंक गॉड कि वो एक जुमला खत्म हो गया मर के, पहले तो ये भी कहा जाता था। ऐसे मेरे पास इनबॉक्स मैसेजेस आते हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं, नहीं बिल्कुल वही मैं कह रहा था। देखिए उसको सपोर्ट करना कि आप, कल एक वाकया हुआ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरे ही साथ काम करते हैं वो, और कल एक वाकया हुआ है और मुझे खुशी भी हुई द वे ही हैंडल्ड इट, और अफसोस भी हुआ। अफसोस इसलिए हुआ कि हम दूसरों की बेटियों को अपनी इज्जत नहीं समझते, और सिर्फ हमारी बेटी हमारी इज्जत है, दैट्स वेयर थिंग्स गेट रॉन्ग, यू नो। अच्छा मेरा सवाल जो है वो वहीं पर उसी जगह में आ जाता हूँ कि मुझे बताइए, ये जो लोग कहते हैं ना कि जी वायलेंस हो भी रहा है, बच्ची पिट भी रही है, बीवी पिट भी रही है, लेकिन इसके बावजूद आप कहते हैं नहीं जी नहीं निकल सकती। अच्छा फिर बेटियों को जब आप मारते हैं ना, तो वही बेटी एक्सपेक्ट यही करती है कि उसकी जाके वहाँ पे पिटाई होनी, फिर जब बेटों के सामने मारा जाता है तो बेटा ये समझता है कि नहीं जी हाथ उठाना बिल्कुल ठीक है, मैं हाथ उठा, तो हमारी तरबियत में कहीं ना कहीं फुकदान ज़रूर है। एक चीज़ तो तरबियत है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तरबियत में, और दूसरा एंगल ये भी है कि स्टैटिस्टिकली देखें तो 35% ऑफ पीपल हु आर अब्यूज़र्स जो कि डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, उनके साथ कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। स्टैटिस्टिकली कहते हैं कि 50% जो डोमेस्टिक वायलेंस में इन्वॉल्व होते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ इन्वॉल्व होता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन्वॉल्व होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। और यहाँ अवेयरनेस की ये भी कमी है कि डोमेस्टिक वायलेंस को हम लेके चल रहे हैं ये सोचते हुए कि दो नॉर्मल लोग हैं और बाकी डायनेमिक्स भी हैं जिसकी वजह से शायद डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा जोर से बोलिएगा, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कैसी हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। मैं ये कहना चाहूंगी ये बहुत अहम मौजू है, क्योंकि एक बंदा बच्चा नहीं होता, पूरा खानदान वो बच्चा होता है, सारी फैमिली डिस्टर्ब होती है, और इसमें इसको तोड़ने में भी हमारे सारे खानदान का और एज ए नेशन लोगों का बहुत बिहेवियर होता है। घर में जो लोग तोड़े होते हैं जोड़े होते हैं उसमें भी वो लोगों की फिक्र कर रहे होते हैं, और जब टूट जाता है तब भी लोगों के होते हैं नेगेटिव बिहेवियर होते हैं, वो उनको कहते हैं कि भाई क्यों हुआ, छेड़ते हैं उनकी दुखती रखो, और जब कोई टूट जाता है वो खुशी से तो टूटा नहीं होता। और जब ये फिल्मों में ड्रामों में दिखाते हैं तो रियलिटी दिखाएं, रात को लाइट बंद करनी पड़ती है, घर की जरूरत पूरी करनी पड़ती है, औरतों को घर चलाना पड़ता है, कहती है कि दुनिया में लोग रहते हुए शादी करते हैं ना, ये मेन वजह है कि घर में रियलिटी और होती है, और लोगों का भी बिहेवियर तोड़ने में और जोड़ने में बहुत मैटर करता है। और फिल्मों ड्रामों में ये जो डिवोर्स और डिवोर्स दिखाते हैं ना, ये नहीं दिखाते कि इसके बाद का रिजल्ट क्या होता है। चले बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब रियलिटी बिकती नहीं है ना, रियलिटी बिके तो फिर बात है ना, रियलिटी बिकती नहीं है। रियलिटी में कहाँ आप बेचेंगी रियलिटी को, जहाँ जब आप सुबह सो के उठें तो मतलब आप वैसे नहीं लगते जैसे फिल्मों में लग रहे होते हैं या ड्रामों के अंदर लग रहे होते हैं, जहाँ वो बाल नहीं उड़ते, वो हवाएं नहीं चलती, वो घंटियां नहीं बजती, वो शायरी नहीं होती, वो पीछे से यू नो वो नहीं लगता, और आप लोग बैठ के आप उसी को देखते हैं, ये भी तो मान लेना, ये हम सब उसी को देख रहे होते हैं। आज मैं पाकिस्तान में बेतहाशा से ड्रामे गए हैं, हम सफ़र से लेकर इश्क मुर्शद तक, अगर वो सब रियलिटीज़ दिखाते तो डू यू थिंक कि वो ड्रामे कामयाब होते? वो ड्रामे कामयाब नहीं होते। कौन बात करना चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर प्यास जो पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा? कौन बात करना चाहता है? कौन बात करना चाहता है कि आपके लिए अभी जो री इलेक्शन इनके हो रहे हैं अमरीका के, जो इलेक्शन हो रहे हैं अमरीका के, उसके बाद आप पे एक प्रॉब्लम आने वाली है, कौन बात करना चाहता है? नो वन वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट इट।
कौन बात करना चाहता है? ड्रामों के अंदर आप IMF को दिखा सकते हैं, आप नहीं दिखा सकते. हु इज गोइंग टू वॉच इट? नो वन इज गोइंग टू वॉच इट. हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम अपने मेयारों में हिपोक्रेसी का शिकार है. एंड आई विल टेल यू व्हाई. क्यों? अमेरिका को दबा के गालियां दे जी, सारे मिलके गालियां देते हैं. स्पेशली हमारी वो जमातें जो अमेरिका हेट टिकट पे इलेक्शंस में कामयाब होती हैं, ठीक है, दबा के गालियां देते हैं. कल आप वीजा खोल दें, देखें क्या होता है. जाके उनके खाते खोलें उन उन जमातों के जो अमेरिका को गालियां दे रही होती हैं. असल फंडिंग आती कहां से? ये आप KFC को बॉयकॉट कर रहे हो? करो, बिल्कुल करो. पर हियर इज माय क्वेश्चन, IMF को बॉयकॉट किया है? तो हमारी तो हिपोक्रेसी का तो मेयार ही दूसरा है. आई विल ऑल्सो एड वन मोर स्टार्ट टू इट. 1 in 10 वुमेन, 10 में से एक औरत प्रेगनेंसी में भी वायलेंस का शिकार होती है. ये भी ऐड कीजिए. ये अंडर रिपोर्टेड नहीं है? ये तो मुझे लगता है कि ये तो दिस इज क्रेजी. वन आउट ऑफ 3 कहीं ज्यादा एक्चुअल जो आपकी रियलिटी है वो इससे कहीं ज्यादा बुरी है. मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद. खैर, अब I am hoping एंड आई एम रियली होपिंग कि ये ठीक हो, क्योंकि यही इतना बुरा है. ये तो इतना जब बुरा है. जब आप कह रही हैं अंडर रिपोर्टेड है तो फिर तो मेरी तो सिट्टी घूमे. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद. सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तो इस वक्त YouTube ही है. सबसे अच्छा आपका Facebook है और उस वक्त Twitter चल रहा है. दो हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं इस वक्त. मेरी नज़र में अब तक तो हाईएस्ट YouTube ही चल रहा है व्लॉगिंग के हिसाब से. उस लोग काफ़ी पैसा कमा रहे हैं. सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ही, और तो कुछ नहीं है. TikTok या YouTube, इन दोनों, यही दोनों अच्छे. यूट्यूब सबसे अच्छा है. मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं. अगर जैसे आपको वीडियोस के अंदर कनेक्ट करना है तो उस पर टिकटॉक भी है, इंस्टाग्राम भी है. पिक्चर्स आपको कनेक्ट करना है, इंस्टाग्राम है. वैसे अगर सबको मैं लमसम बोलूँ कोई एक प्लेटफॉर्म तो आई गेस Facebook. Facebook बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. आजकल तो मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पे जो है वो लोग ज़्यादा एक्टिव हैं. Facebook से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव चल रहे हैं, क्योंकि एक तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और रीच लोगों की अच्छी हो जाती है. तो मेरा ख्याल है शायद इंस्टाग्राम ज़्यादा आजकल एक्टिव है. और आई जी, वंस अगैन, पहले मैं आप छह से तमाम लोगों से पूछता हूँ, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा आपके लिए? कौन सा जस्ट द प्लेटफॉर्म कौन सा? आई यूज Instagram. 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 YouTube. YouTube. All right जी, तो आपको पैसा बनाना तो Instagram, YouTube. 5 वोट है Instagram के, 1 वोट है YouTube का. लेकिन आपको ज़ाहिर है पैसा हर तरफ से बन सकता है. क्या पाकिस्तान में इंस्टाग्राम ना लाइक जो बाहर मुल्क में इंस्टाग्राम के रील के व्यूज से भी लोग पैसे कमा रहे हैं, यहाँ नहीं है. यहाँ पे हमारे मिलियन व्यूज, आई गॉट 16 मिलियन व्यूज इन वन ऑफ माय वीडियोस. वाओ. एंड उसमें आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग. व्हाई? बिकॉज़ हमारे इट्स नॉट मोनेटाइज्ड इन पाकिस्तान. सो दैट इज द सैडेस्ट पार्ट अबाउट इट. एंड आई रियली लाइक होप कि पाकिस्तान में मोनेटाइज हो. आल्सो आई थिंक बिजनेस मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छा Facebook है. ये मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों. नहीं तो अभी बता दीजिए. अच्छा, अभी बाद में वो वहां मतलब प्रोग्राम के बाद मैं सेल करूंगी आपको कोर्स. लिखिएगा मेरे कमेंट में डिटेल्स, फिर मैं दे दूंगी आपको. बिजनेस मार्केटिंग के लिए ना Facebook इसलिए अच्छा है क्योंकि वो कंपैरेटिवली Instagram और YouTube से सस्ता है, और उसमें लोग इजीली जो है ना अपने बिजनेस की एड प्रमोशंस कर सकते हैं. ज्यादा लोग कहाँ पे मौजूद है, Facebook पे या Instagram? यंग जनरेशन Instagram पे, एंड आफ्टर आई थिंक 25+ Facebook पे, जो बिजनेस और ये वो सेल्स ई कॉमर्स एंड सीरियस लोग Facebook पे. लाइक अगर आप मेरे अब्बू की जनरेशन की बात करें तो वो सब तो Facebook और ये यूज़ करते हैं. तो आपके इन्वेस्टर्स कौन है हमारे अब्बू के एज के? नो, नॉट रियली. ओके, एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन. अस्सलाम वालेकुम. कौन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? जी सबा तस्लीम. ये बताइए तस्लीम, पैसा बनाना है आपने? हाँ जी बिल्कुल. कैसे बनाना है बताएं आपको, आप क्या करना, क्या आप अच्छा कर सकती हैं? जी मैंने टेक्सटाइल का किया हुआ है, तो मुझे मैं ना ये पूछना चाह रही हूँ कि उसी में किस तरह कर चले ना आगे उसको लेकर. बस आप होल्ड रखिएगा, होल्ड रखिए. टेक्सटाइल का किया हुआ है जी, कैसे कैसे कर सकते हैं? मरियम, आपने टेक्सटाइल पे डिप्लोमा किया है, डिग्री की है, आपने क्या सीखा है? डाइज सीखे हैं, क्या सीखा है आपने टेक्सटाइल में? जी मैंने टेक्सटाइल में डिग्री ली है ना, तो इसलिए उसमें पूछना है कि फिर उसको कैसे लेके चले ना हम, फैब्रिक पेंटिंग, ब्लॉक पेंटिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, उसमें सारी आ जाती है. ये मेरा फेवरेट टॉपिक है बिकॉज आई एम फ्रॉम दिस फील्ड. सो टेक्सटाइल एक बहुत ही बड़े मजे की चीज़ है इफ यू नो हाउ टू डू इट. मतलब
टेक्सटाइल में आप घर में आसानी से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पता है ब्लॉक प्रिंटिंग सीखी होगी आपने, डाइज सीखे होंगे, कूल डाइज हो गए, हॉट डाइज हो गए, और उसकी कितनी सारी टेक्निक्स होती हैं। तो आजकल कितने ज़्यादा टेक्निक्स वाले आपने देखा होगा, सफायर पे देखा होगा, उनकी एक कलेक्शन आई थी जिसमें उन्होंने हॉट डाइज और कूल डाइज यूज़ किए थे। वो फिशिंग टेक्निक होती है और फिर धागे वाली टेक्निक्स होती हैं, तो उससे आप इतनी सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट मैट्स, बहुत सारे स्टफ क्रिएट कर सकते हैं, कपड़े पहनने के मैट्स हो गए, रग्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। आपने कभी घर में ट्राई की है कोई चीज़ बनाने के लिए? कपड़े डिज़ाइन किए थे मैंने, लेकिन ना लोगों को से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता फिर मुझे। अच्छा देखें रिस्पॉन्स आपको फौरन नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्स के लिए आपको अभी जैसे इन्होंने कहा था कश्यप ने कि आपको कंसिस्टेंसी मतलब मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगाते रहना है। अच्छा, और आप एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल ना कीजिए, स्नैक भी इस्तेमाल कीजिए, टिकटॉक भी इस्तेमाल कीजिए, आप फेसबुक भी इस्तेमाल कीजिए, इंस्टाग्राम भी इस्तेमाल कीजिए, और व्हाट्सएप भी इस्तेमाल कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये, तो कोशिश करें कि एक जगह बैठ के बताएं, तरीका बताएं कि किस तरह से हो सकता है। ट्यूटोरियल्स जो होते हैं ना टेक्सटाइल में, बेसिकली फैब्रिक पेंटिंग हो गई या फिर क्या कहते हैं जो रग पे पेंटिंग्स करते हैं हम लोग, बहुत सारी टेक्निक्स हैं टेक्सटाइल की। तो ट्यूटोरियल्स, डिटेल ट्यूटोरियल्स आप टिकटॉक पे डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, लोग वो बहुत शौक से देखते हैं। कैनवस पेंटिंग्स हमें इतनी सिखाते हैं टेक्सटाइल में, आप इतने प्यारे कैनवसेज आजकल कितने महंगे महंगे बिकते हैं इफ़ यू क्रिएट योर आर्ट, तो वो इतने महंगे महंगे बिकते हैं, आप इजीली वो भी सेल कर सकते हैं। मुझे लगता है जहाँ आपको इश्यू आ रहा है वो क्रिएशन में नहीं है, बेसिकली मार्केटिंग में है। तो वो आप प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है, आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करिए, आप मुझे उसके बारे में बताएंगे तो आई विल बी एबल टू गाइड यू। मतलब वही है जिससे पहले बात हुई थी मरियम, कि हम ये चाहते हैं कि इधर हमने वीडियो डाली उधर उसका रिजल्ट, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा। कंसिस्टेंसी, आप 6 महीने लग के हर रोज 1-2 वीडियोस डालें, उसके बाद देखिए क्या होता है। एक और टेलीफोन कॉल सभा, बट जस्ट इसको याद रखिएगा कि दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। सर एक बात बताइए, नदीम आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे एक बात बताइए कि अगर हम ये बात करते हैं कि जी रिजल्ट फौरन नहीं मिल रहा, हम छोड़ क्यों देते हैं काम करना? उसकी वजह यह है कि हमारी जो सोच होती है ना वो आगे की नहीं होती है। हम बड़े शॉर्टकट हैं, जैसे वो 2 मिनट्स नूडल्स होते हैं, हम 2 मिनट में नूडल बना के खाना चाहते हैं, हम 2 मिनट में हर चीज़ करना चाहते हैं। देखिए आप बहुत अच्छे होते हैं 2 मिनट वाले नूडल्स, देखें दुनिया में, दुनिया में देखें आज वो 2 मिनट्स नूडल वाले पता है आपको, वही जापानीज जो है ना वो 800 रुपए के हैं जो यहाँ पे 50 में मिल रहे थे, क्यों? वो 2 मिनट नहीं, कोरियंस ने उनके ऊपर काम किया, जापानीज ने उनके काम किया, प्रॉपर डिश बनाया, तो वो 800 का बेच रहे, हमारे 50 रुपए का नहीं बिका, वो बंद हो गया। ओ भाई पहले भी एक प्रॉपर डिश ही थी, फर्क सिर्फ ये, मैं जिस जमाने में जापान में, मुझे माफ कर जी सर, हमारे यहाँ ना इन्फॉर्मेशन को खुदा का वास्ता नॉलेज ना समझो, नूडल्स हैव ऑलवेज बीन अ प्रॉपर डिश, उसमें अंडे भी डलते हैं, चिकन भी डलती है, एवरीथिंग, और वो कहीं यानी किसी कोरियन ने कुछ नहीं किया है, अब उसमें फ्लेवर्स डाल दिए, किया है जी कोरियंस के लिए। मैं जिस जमाने में जापान में रहता था, खुदा का वास्ता कुछ खौफ करें यार, देखो पास ऑन द राइट इन्फो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम साहिल, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आया आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी के आई डूइंग दिस शो। आप कॉफी दे दे, मेरी सबसे अच्छी चीज वही है। मुझे आपका जुमला ये बहुत अच्छा लगा कि पैसे किस तरह बना सकते हैं आप, कैसे किस तरह बनाए जाए, लिटरली पता है, क्योंकि वजह है कि आजकल के दौर के अंदर पैसा ही बना, एवरी मेंबर शुड बी अर्निंग मेंबर, और मैं इन तमाम बच्चों को बहुत सलाम करना चाहता हूँ, इनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, ये पैसे कमा रहे हैं, अपने घर को हेल्प आउट कर रहे हैं, और बहुत जरूरी हो गया ये। और मेरी नजर में मैं इस बात पे बात नहीं करूंगा, आपको ये सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अच्छे से आप कैसे यूज कर सकते हैं, इस तरह आप अर्निंग अपनी बढ़ा सकते हैं, ये सब इस तरह यानी डिमांड ऑफ द टाइम। मेरा जो सवाल इनसे ये है ना बच्चों से, और एक नदी मौलवी साहब से सवाल इनसे ये मेरा सवाल है, देखिए ये मैं तो जाहिर मेरी एज ज्यादा हो चुकी है, मैं अभी आप लोगों से सीख रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप, बहुत से लोग शुरू करते हैं यूट्यूब पे ब्लॉगिंग शुरू करते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो आगे सस्टेन कर पाते हैं, वो अपडेट नहीं रहते, प्रेशर नहीं कर रहे होते, तो उनको जो कंटेंट को और इसको आपके सारे जो मटेरियल को आपको अब रिफ्रेश करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए होता है कुछ ना कुछ, आपको हर वक्त क्रिएटिव चीजें चाहिए होती है, उसको आप किस तरह आप करते हैं, ये सवाल। दूसरा नदीम मौलवी साहब से मेरा सवाल ये है
कि नवी मौलवी साहब हमारे यहाँ जो बच्चे काम कर रहे हैं माशाल्लाह अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये सारे डिजिटल एज है, लेकिन हमें मैं ये चाहता हूँ कि आप क्योंकि बड़ा इंफ्लुएंशियल आदमी है, मैं चाहता हूँ कि जो कनेक्टिविटी है और गैजेट्स हैं, मोबाइल फोन हैं, एंड्रॉइड्स हैं, इनको चीप किया जाए ताकि बच्चे आसानी से इसको हासिल कर सकें, अनप्रमिस क्लास भी हासिल कर सकें। तो इस चीज इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? दिस माई क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। देखिए, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, स्पेशलिस्ट को जब जाते हैं, तो उसकी फीस ज्यादा होती है। डॉक्टर्स तो सभी होते हैं, उस स्पेशलिस्ट के पास आप क्यों जाते हैं? आप जब कोई एक कपड़ा खरीदते हैं तो आप कहते हैं यार ये महंगा है मगर मैं ये लूंगा, क्यों लेते हैं? शर्ट्स हर किस्म के होते हैं, क्वालिटी। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम एक्सपर्टीज की तरफ नहीं काम कर रहे होते, हर इंसान की एक एक्सपर्टीज होती है, आप उसको पॉलिश करें। जब आप एक्सपर्ट हो गए तो फिर क्लाइंट आपको ढूंढता है। अब मुझे अगर कोई ब्रांड शर्ट चाहिए होगा तो मैं उस ब्रांड की शॉप्स को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि ब्रांड ने अपनी पहचान बनाई है, वो पैदाइशी ब्रांड नहीं होते। यहाँ पे हम टिकटॉकर्स में मैंने देखा है, एक ब्रांड बन जाते हैं फिर उसके बाद वो गुम हो जाते हैं, कहाँ चले गए वो एक जो थे बिलियंस ऑफ व्यूज, अब वो नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टेंट नहीं बना सके। एक उनका हिट हो गया उसके बाद दूसरा, क्यों? क्योंकि एक हो सकता है आप फ्लूक पे चले गए, हो सकता है कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया। नहीं, उनका सवाल कुछ और था। अच्छा, उनका सवाल ये है कि जो एंड्रॉइड्स हैं, ऐसे गैजेट्स हैं जिनसे पैसा बन सकता है, जिससे कनेक्टिविटी आपकी कायम हो सकती है, वो मार्केट के अंदर चीप अवेलेबल क्यों नहीं है? कैमरे से शुरू करता है और वो कैनन और बहुत बड़े प्रोफेशनल कैमरा की तरफ चले जाते हैं, बट मगर आप स्टार्ट तो लें। हमारे यहाँ हमने स्टार्ट लिया नहीं है और मुझे बेहतरीन चाहिए। मेरे पास आईफोन नहीं आएगा जब तक, तब तक मैं आपको बताऊँ, एक जमाने में किराए की साइकिल होती थी, लोग किराए की साइकिल लेके साइकिल चलाना। एक और टेलीफोन कॉल, नदीम भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक और टेलीफोन कॉल, आई डोंट एग्री विद इट। एक और टेलीफोन कॉल। देखिए जी, I agree with what you said कि गवर्नमेंट से पूछना चाहिए। I am really sorry, but कब तक हम ये दिलासे देते रहेंगे कि मुल्क का कर्जा उतारने के लिए हमें अपना पेट काटना पड़ेगा? ये मुल्क हमने तो खराब नहीं किया, मैंने खराब किया, मैंने कर्जे लिए जाके, मेरे नाम पे आपने कर्जे लिए, बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अभी डॉलर की आवाज आ रही है 320 रुपए की, कितना ऑप्टिमिस्टिक होंगे आप? बिजली का बिल 4-4, 6-6 लाख रुपए बिजली का बिल आता है, कितना ऑप्टिमिस्टिक होंगे आप? आप क्या बात करो, गैस आती है गैस का बिल आ जाता है, क्या ऑप्टिमिस्टिक होंगे? आपको 4 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए गोली मार दी जाती है, कितने ऑप्टिमिस्टिक होंगे आप? उसके बाद आप लोगों के झगड़े खत्म नहीं होते, एक टेबल पे बैठते नहीं, आप बातें करते हैं कि पाकिस्तान सबसे पहले, किधर है पाकिस्तान सबसे पहले? इफ आई लव समवन, व्हाट डू यू थिंक आई वुड डू फॉर देम? इफ यू लव पाकिस्तान देन यू नीड टू एक्चुअली सिट ऑन दिस टेबल। जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आपकी अपनी नाकें खत्म नहीं होती हैं। अभी बारिशें आने वाली हैं, डू यू गाइस रियलाइज कि बारिशों में होगा क्या? ये जो स्टूडियोज है ना, ये एयर कंडीशन है, मैं नीचे जाऊंगा, मैं अपनी गाड़ी में बैठूंगा, अपने घर चला जाऊंगा। बट ट्रस्ट मी, वो शख्स जो मुझे फॉलो करता है ना, जिसके लिए सायर भाई सब कुछ है, रात को 8 बजे वो अपना रेडियो खोल के बैठ रहा होता है या मोबाइल पर सुन रहा होता है, उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल है, उसके घर की छत टपकती है। और ये सवाल होना है, ऐसा मत समझिएगा दिस इज क्या 50-60-70 साल जियेंगे आप, 80 साल जिएंगे, उसके बाद क्या होगा? तो गॉन। दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत, जिंदगी की सबसे बड़ी रियलिटी इज डेथ। इज देयर एनीवन, यू नो, हम कब तक अपने आवाम को ये समझाते रहें कि नो तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। माफ कर दें यार, कर लिया 75 साल से हम ही कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। हम एक लाइन सीधी नहीं बना सकते तो सारे खड़े हो जाते हैं लाइन सीधी। आप बनाते हैं, आपका प्रोटोकॉल देखा है कहां से ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है ना? 100-100 गाड़ियों के साथ आप चलते हैं और आप बातें करते हैं, और आप इतने बड़े हिपोक्रेट्स हैं, आप अपनी हेट बेचते कि हेट अमरीका, हेट फला, हेट दिस, हेट यूरोप, ये आप टिकट बेचते हैं और उसके बाद आपकी फंडिंग पूरी वहां से आती है, आपकी लॉबीज वहां पे है। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? लेट्स बी रियलिस्टिक यार। आज के दौर में भी अगर हम इस किस्म की बातें करेंगे तो फिर हो गया काम। टेलीफोन कॉल लेते हैं। मैं वो लंदन से भी अभी आई हूँ, तो वहाँ पे तो हर बंदे के पास आईफोन होता है। आपके सारे आज तक फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हैं वो इंपोर्टेड ही हैं। चले छोड़े इंपोर्टेड, पाकिस्तानी लेबल है मगर है इंपोर्टेड। हेलो, सलाम अलैकुम।
वो लोग कह रहे होंगे पॉलिटिकल शो नहीं भाई। सलाम अलैकुम। नहीं नहीं आ जाएगी आ जाएगी। हेलो सलाम अलैकुम। जी सलाम अलैकुम। सलाम साहिर, ये आप नहीं बोल रहे, पाकिस्तान की सारी आवाम बोल रही है। आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ और 100% ठीक कह रहे हैं। ये आपने हम सारे लोगों के दिल की बात की है और मुझे लगता है ये जिनसे कर्जे लेते हैं उनसे कम जालिम होंगे, वही डायरेक्ट आ जाएं। क्या ये बीच में ठगू हम पे मुलव्वस किए हैं? मैं मौजू से आना चाहूँगी कि ये जो हमारे आजकल एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने सबने जो जो बताया कि इस तरह से हम अर्न कर सकते हैं और जिसमें जो कोई टैलेंट है वो अपना वो उससे कमा सकता है, लेकिन एक आठ पढ़े पांच पढ़े जो कि सिर्फ एबीसी जानता है और मोबाइल जानता है उसके लिए इजी मेथड से बताएं कि आप गूगल पे जाके इस तरह से प्ले स्टेशन पे जाके ये चीज़ यूट्यूब स्टॉल कर सकते हैं, उसको चला किस तरह सकते हैं, ब्रेक में थोड़ा होमवर्क करके अपने मोबाइल के साथ अटैच करके ना ये हमारी ऑडियंस को बताएं, ताकि वो बंदा जो कि ये आपके सामने है बिजली के बिल और महंगाई का आ रहा है और उसमें अगर कोई टैलेंट है तो उसके पास मोबाइल है तो वो उसे इजी मेथड बताएं कि चैनल किस तरह से बना सकते हैं और फिर चला कैसे सकते हैं। ठीक है, हम वेट कर लेंगे तो उसके बाद वो चले और वो इजी मेथड से बताएं। बहुत शुक्रिया। एक बड़ी बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की। आप पांचों को टास्क है, नदीम भाई नहीं बता सकेंगे, नदीम भाई से मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप पांचों को टास्क है, जब वापस आएंगे कोई एक तरीकेकार बताएगा कैसे बिल्कुल स्टार्ट से, लाइक जो लेमन टर्म्स होती हैं उसमें बताएं, जो लोग देख रहे हैं कि जी इधर जाएं गूगल पे और स्लोली और उर्दू का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा ताकि वाइडर ऑडियंस जो है वो उसको समझ सकें। थैंक यू सफिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक जी। Alright, जी, once again, welcome back, and of course, हम domestic violence पे बात कर रहे हैं। जी लियाकत भाई, क्या कहते हैं? देखें, जिस तरह कहीं कहीं औरत मजलूम है, कहीं कहीं मर्द भी मजलूम है, उनकी भी शिकायतें आती हैं। और हम अच्छा, मर्दों की जो शिकायत आती है वो किस सिलसिले में आती है? देखें, ऐसा होता है कि ससुराल वाले ज्यादती करते हैं, उसकी बीवी को ले जाना, बच्चों को छीन लेना और बीवी को वापस ना भेजना, जिसकी वजह से मर्द भी जो है ना वो मुश्किलात का शिकार होते हैं। देखें, कहीं हम देखते हैं कि औरत मुश्किलात का शिकार होती है, कहीं मर्द भी होते हैं। उस सूरत में हम देख रहे होते हैं कि वो पहले तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मामला हमारा हल हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, बीवी से बात हो जाए या वापस आ जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मर्द के पास भी फिर एक रिमेडी होती है, सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की, वो फैमिली कोर्ट जो हमारी बनी हुई है उसके अंदर वो फिर आके दावा दायर करता है कि अदालत जो है मेरी बीवी को बुलाए यहाँ अदालत में और उसको पाबंद करे कि जो मेरे शरी हकूक़ हैं वो जो है ना उसको अदा करें। और उस सूरत में हम देखते हैं कि जब अगर बीवी उसके साथ रहना चाहती है और माँ बाप को उसके ऊपर प्रेशर है तो हम देखते हैं कंप्रोमाइज़ भी हो जाता है और रिकन्सिलिएशन भी हो जाती है। जहाँ पे औरत का दिल नहीं होता, वो नहीं रहना चाहती या उसको पसना ही नहीं उस घर में, उस सूरत में देखते हैं तो वो फिर खुला के लिए अप्रोच। लेकिन देखिए, अगर आप किसी को हर रोज़ मार रहे हैं, अगर आप किसी को हर दूसरे रोज़ अच्छा फिज़िकल अब्यूज़ के निशान चले जाते हैं, जो मेंटल अब्यूज़ है उसकी, ये इमोशनल अब्यूज़ है, उसके निशान नहीं जाते। अगर आप किसी को डिग्रेड कर रहे हैं, और हमारे यहाँ तो ये भी एक फिनोमेना ना, लियाकत भाई आप इसको ज़्यादा बेहतर तौर पे एक्सप्लेन कर सकेंगे कि हमारे यहाँ तो ये भी एक फिनोमेना है कि तुम मेरी बीवी हो तो मैंने तुम्हें ख़रीद लिया है, तुमने हर वो काम करना जो मैंने, हम बेटी के साथ भी ये करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, वो पहले वाली चीज़ें नहीं है, आज अवेयरनेस बहुत आ गई है, लोगों के अंदर शऊर है, लोग पढ़े लिखे हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, लोगों के पास बाकायदा जो है ना मोबाइल के अंदर हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, वो पहले वाला दौर नहीं है। अब पहले ये बात होती थी कि तुम मेरी बीवी हो तो मैंने तुम्हें ख़रीद लिया, अब वो नहीं है। अब औरतों को अपने राइट्स पता हैं और मर्दों को भी पता है जो ना, और क्विक एक्शन होता है। अगर किसी खातून के साथ हम देखते हैं कोई जुल्म ज्यादती होती है तो हमारा कानून भी उसकी सपोर्ट करता है और वो अगर किसी जगह अप्रोच करती है तो सब लोग उसकी सपोर्ट करते हैं। 70% औरतें प्रेफर करती हैं खुला, मर्दों से ज़्यादा डिवोर्स की केसेस में 70% औरतें आगे बढ़ती हैं और कहती हैं हमें खुला चाहिए। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वन सर, गुड मॉर्निंग साहिर। गुड मॉर्निंग आया, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है और यकीन करें आज का पैनल बेहतरीन पैनल है आपका और बड़ा अच्छा मौजू है। मैं डॉक्टर शफीक यासीन साहब को स्पेशली सलाम करना चाहूंगा क्योंकि ये जो इनका जो क्लिनिक है, बाकियों को भी कर दें, बाकियों ने क्या बिगाड़ा है? नहीं, बाकी को इसके बाकी भी मेरे लिए मौजूद है, लेकिन चूंकि शफीक यासीन से बात कर मेरी गुजर चैनल पर बात होती है, ये जब इनके जो ये जो मशवरा देते हैं ना, ये ह्यूमन साइकी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बड़े बड़े धीमे अंदाज में बड़े तरीके से बात बताते हैं, सुनते भी हैं। मेरे दो सवाल हैं साहिर।
सवाल एक तो ये है कि देखें बात ये कि सिर्फ हम लोग के यहाँ मोस्टली बात ये होती है कि सिर्फ औरतों पे तशद्दुद की बात हो, यकीनन होता होगा, ज्यादा होता है, होता है, लेकिन एक तशद्दुद होता है जो मर्दों पे होता है, मेंटल टेंशन दी जाती है, मेंटल टेंशन इतनी ज्यादा होती है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, इस बारे में कोई बात नहीं करता, पहली बात। नहीं, हम आज करेंगे, आज करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, आज करेंगे हम। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये करनी है, देखिए जो अगर घर में कोई तशद्दुद हो रहा होता है ना, अगर शायद मर्द औरत से कर रहा होता है तो उसके अंदर बहुत सारी उनके घर की खवातीन भी होती हैं जो तशद्दुद में शामिल होती हैं, उनको नहीं रोकती, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि वो लोग किस तरह शामिल हैं, वो लोग भी तो जिम्मेदार है ना जो घर में तशद्दुद देख रहे हैं और रोक नहीं रहे वो लोग। मर्द के सपोर्टर बहुत होते हैं ना, ये तो कह रहे हैं खवातीन जो ना शामिल होती है मर्द के साथ जो ना, अगर औरत उसके साथ ज्यादती कर रही होती है तो मर्द के सपोर्टर भी बहुत सारे होते हैं जो ना आते हैं, बिल्कुल होते हैं, उसकी फैमिली के लोग सारे खड़े होते हैं, लेकिन बात यह है कि यहाँ ठीक है, हम मानते हैं कि मर्द के साथ भी होता है, बिगाड़ यहाँ पे तो होता है कि कुछ बीवी की भी जो डोमेन है कि वो बीवी बन के रहे और हर चीज़ के अंदर मुदाखलत नहीं करे, झगड़े वहाँ पैदा होते हैं कि जब बीवी अपनी डोमेन से हट के जो है एक्सेस करती है, उसके माँ बाप के मामले में मुदाखलत करेगी, बहनों के मामले में मुदाखलत करेगी, उसके बाहर बिजनेस में मुदाखलत करेगी, उसका मोबाइल फ़ोन चेक करेगी, उससे पूछेगी तुम जल्दी क्यों नहीं आए, ऐसे ऐसे दोस्त भी हैं हमारे जो हम बताते हैं कि हमारी बीवी हर वक्त रात में रहती है, एक एक दिन का वो सब उसका बस चले उसको ट्रैकर लगा दे कि वो जो है ना कहाँ जा रहा है, किस साथ बैठ रहा है, किससे बातचीत कर रहा है, उसे पूछती है तुम घर क्यों नहीं पहुंचे, हमारे दोस्तों को हार्ट अटैक भी हुआ उसकी वजह से, ये चीजें भी तो देखें मर्द के साथ हो रही होती है ना, जो एक हमारे दोस्त इसमें इसमें एक भी डिफरेंट केसेस हैं। हाँ, एग्जैक्टली, और मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी, आपकी ट्रैकर वाली बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, ट्रैकर लगा, हर औरत की ना कंप्लेंट पहली ये होती है कि मुझे वक्त नहीं मिलता, मुझे वक्त नहीं देते, और इस वक्त के चक्कर में वो फिर ट्रैक करना शुरू करती है ये वक्त गुजार कर रहे हैं। मैं ये बात कहना चाहूंगी कि जो केसेस हैं वो डिफरेंट है, शक एक अलग है कि वाकई जो पैरानोया शक से गुजरती हैं, फिर एक होता है जो इनसिक्योर होती हैं क्योंकि उनको उतना कम्युनिकेशन नहीं उनकी अच्छी, उनकी टाइम नहीं दिया जा रहा एक दूसरे को, उनका मी टाइम नहीं है, सेल्फ टाइम नहीं है, खासकर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम्स में तो ऐसा बहुत होता है, यू नो बस डिवाइडेड है, और यू नो उनकी अटेंशन फैमिली पे है और बच्चे बंदी की अटेंशन उसने भी घर वालों को देखना और बच्चों। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा नहीं लगता हम जैसे जैसे एडवांस हुए हैं रिलेशनशिप कम होती चली गई, ख़त्म होती चली गई, पहले हमारे पास फेसबुक नहीं थी लेकिन हम बड़े लोगों को जानते थे, आज हमारे हज़ारों लोग हैं जिनको हम फेसबुक पे एंटरटेन करते हैं, किसी को नहीं जानते हम, पहले हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे लेकिन हर जगह हम वक्त पे पहुंच जाते थे, मिलके खुशी होती थी, आज हमारे WhatsApp डिजिटल पे हमारे एफर्ट्स की डायरेक्शन चेंज हो गई है साहिल, आई गेस व्हाटएवर दैट इज, बट मुझे लगता है आई थिंक वी आर कनेक्टेड एज मोर देन एवर बिफोर बट लोनली मोर देन एवर बिफोर, हां के कनेक्टेड तो हैं लेकिन उनसे नहीं है जो सामने बैठा हुआ है, राइटफुली सो, राइटफुली सो। जी क्या कह रही थी किरण? मैं ये समझती हूं कि प्रायोरिटीज भी चेंज हो गई हैं, ठीक है, और रिलेशनशिप में जब वो स्पार्क नहीं दिखता है सबसे ज़्यादा, अब इसमें लाजमी नहीं खवातीन, मर्द हजरात भी वाकई सफ़र करते हैं, बात बिल्कुल ट्रू है कि जब उनको सिर्फ कमाने की मशीन ही समझा जाता है। याया ने कहा मेंटल टॉर्चर दिया जाता है, बिजली का बिल नहीं दिया, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, अब वो भी एक ही इंसान है। अच्छा, फिर उसके बाद जी कुछ जी नहीं प्लीज आप कंटिन्यू करें। मैंने सिर्फ बताया कि वो मेंटल टॉर्चर जिससे वो गुजरता है, जिसको मेंटल टॉर्चर आप बोल रहे हैं ना, देखें उसको हमेशा प्रोविजंस पे पॉइंट आउट किया जाता है ना, ये नहीं करे वो नहीं करे, मर्द को चाहिए क्या? मर्द को एक्नॉलेजमेंट चाहिए, ठीक है, मर्द को प्रेज चाहिए, एप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस चाहिए, और इस चीज़ की एक्सेप्टेंस की यार ठीक है मैं कर रहा हूँ। हाँ, अगेन मैं उसी पे आऊँगी कि अगर आप बाशऊर खातून हैं जो कि काम कर सकती हैं, आप भी कमाइए, लेकिन ये सोच के नहीं कि ये मेरा, ये सिर्फ मेरा और अपने पार्टनर का कुछ नहीं। एक आध दफ़ा मुझे इस बात पे पहले भी चैलेंज किया गया कि जी इस्लाम भी ये कहता है कि जी औरत की कमाई तो औरत ही रखेगी। देखें यहाँ पर रिलीजन को इस तरह मत घुसाएं, बेसिकली आपको अगर एक टीम की तरह चलना है, आपको अपना रिलेशनशिप सुधारना है, तो सबसे पहले आप अपने अंदर रिफ्लेक्ट करें आप क्या कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी खवातीन हैं जिनके मियाँ घर आते हैं, देर से आते हैं और उनके मुँह पर मुस्कुराहट तक नहीं होती, ठीक है, आप क्या कर रही हो, पहले अपने आप को रिफ्लेक्ट करो। मैं ये नहीं कह रही कि आपके साथ ज़्यादती नहीं हुई, विक्टिम हैं आप, एक इतना हैवी टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं, बट प्लीज़ स्लोली स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन आपके इर्द गिर्द जो अच्छे रोल मॉडल्स हो सकते हैं, अच्छे कपल्स हैं, उनमें और आप में फ़र्क क्या आ रहा है। आप यू नो साहिर, फनी थिंग इज मैं सिखाती हूँ लोगों को कि आप जब हग करें स्पेशली अपने पार्टनर को, तो आप 18 सेकेंड से ज़्यादा का हग करें, बिकॉज इट रिलीज नेचुरल ऑक्सीटोसिन। अच्छा, मैं एक कितने लोग हैं जो हग करते हैं इतना लंबा,
अपने हस्बैंड्स को भी नहीं कर रही होती शर्मा करते शर्मा ही नहीं है। एक पॉइंट मैं ऐड करूंगी जो कॉलर का सवाल था उससे, जो मर्दों पे वायलेंस होता है उससे रिलेटेड। अच्छा देखिए, जहाँ पे मर्द मेंटल टॉर्चर का शिकार हो रहे होते हैं, वायलेंस का शिकार हो रहे होते हैं, हमारे यहाँ मशवरे देने वाले लोग भी तो बहुत फजूल होते हैं। मर्द अगर ओपन अप होते हैं अपने साथ होने वाली ज्यादती के बारे में, तो सबसे पहली बात जो ज़्यादातर सुनते हैं वो ये हो सकता है कि यार तुम कैसे मर्द हो, दो हाथ लगाओ, औरत काबू में नहीं आ रही। अब भाई वो नहीं लगा सकता दो हाथ, वो शरीफ इंसान है, लेकिन आपने ये कह के उसकी सेल्फ एस्टीम और बिठा दी कि तुम तो मर्दी नहीं हो। तो ऐसे केसेस होते हैं जो फिर से वेयर डिप्रेशन और मे बी लीड टूवर्ड सुसाइड, कि आपने तो उसकी आइडेंटिटी को ही हिला दिया कि मैं मर्दी नहीं हूँ क्योंकि वायलेंस कर नहीं सकता। अच्छा फिर दूसरा तकाबुल होता है। मैं आपको बताऊँ, मैं उस ज़माने में ए प्लस में था, लाहौर में रहता था मैं, तो मेरे जो गार्ड थे उन्होंने सुसाइड की थी। हम लोग शो कर रहे थे अपना, और अचानक से मुझे शो के दौरान फ़ोन आया कि ऐसा हो गया है, तो वी हैड टू, वो आखिरी ब्रेक चल रहा था, तो वी हैव टू रैप दिस अप एंड देन वी वेंट देयर। पुलिस आई, देखा, फाउंड आउट जब उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई कि उसका झगड़ा अपनी बीवी से हुआ था, और वो मुसलसल 4-5 दिन से झगड़ा एस्केलेट हो रहा था, और कुछ ऐसी फरमाइशें थीं जो उनकी बेगम कर रही थीं जिसको वो ही वॉज अनएबल टू फुलफिल, और ही एंडेड हिज लाइफ। ऐसा होता है, और ये रियलिटी है, और मतलब सैड रियलिटी है। या इट वाज रियली रियली सैड। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वो भी मेंटल टॉर्चर जो है, मेंटल वायलेंस जो है, वो भी एक एक पार्ट प्ले करता है। लोग अपने साइंस शो कर रहे होते हैं कि वो डिप्रेस हैं, वो ना खुश हैं, वो बता रहे होते हैं अपने जेस्चर से, अपने लफ्जों से, लेकिन बिलीवेबिलिटी भी नहीं होती ना। विक्टिम इज नॉट बिलीव्ड, नॉट टेकन सीरियसली। आप उनके सतही मुस्कुराहट पे चले जाते हैं, आप उनके अंदर झांकने, कौन इतना वक्त निकालता है किसी और को समझने के लिए, राइट? सो इंस्टेड के दोस्तों पे इन्हिसार किया जाए, फैमिली मेम्बर्स पे इन्हिसार किया जाए, क्योंकि आमतौर से हम कहते हैं कि यार अपने इर्द गिर्द वाले को पर थोड़ा सा नज़र रखो, इतना एहसास रखो, एम्पथी रखो कि आपको कुछ हिंट्स तो मिले, उसको पूछ लो, यू नो, अगेन कनेक्टेडनेस के ऊपर। बट मैं यहाँ एक और चीज़ कहना चाहती हूँ साहिर, सुसाइड एक जाहिर एक अमल है, इसके पीछे एक पूरी ट्रेल चलती है, ट्रेल चलती है। अच्छा, सुसाइड किसी सिरा कहाँ पकड़े, हम कहाँ सिरा पकड़े, हमें, हम प्रोफेशनल्स जितने बैठे हैं यहाँ पर, जब तक कोई हमें अप्रोच नहीं करेगा, हम जबरदस्ती किसी को बैठा के नहीं कर सकते। सो आई वुड लाइक टू से कि अब मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, प्लीज अप्रोच करें, प्लीज रीच आउट करें। आज साहिर कह रहे हैं हमें कॉल करें, हम भी इसी तरह से अवेलेबल होते हैं। साइलोज में काम हो रहा है, मेंटल हेल्थ पे काम हो रहा है, इमोशनल हेल्थ पे काम हो रहा है, रिलेशनशिप्स पे काम हो रहा है। रिलेशनशिप अपने आप की, अपने आप से बेहतर कीजिए, और उसके बाद फिर अपने लव्ड वंस के ऊपर उसका इम्पैक्ट भी देखिए। और एक बात और बताऊँ, ये मत समझें कि आप आवाज़ उठाएंगे तो आपकी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी। हो सकता है आप आवाज उठाएं तो आपकी रिलेशनशिप बेहतर हो जाए। टेंपरेरी डिस्कम्फर्ट होगा, हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखिए आपको समझ आ जाएंगी चीजें। आप अनलर्न करेंगे पुराने पैटर्न्स और आप रीलर्न करेंगे कुछ नया पैटर्न्स। ऑनेस्टली इस बात के लिए हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज़ आई थिंक खुदा का वास्ता, ये मैं हमेशा अपनी हर चीज में बोलता हूँ, अनलर्न करना शुरू करें। ये जो 100-100 साल के अपने बैगेजेस कैरी किए हैं ना, इसको अनलर्न करना शुरू करें। साहिर कैसे होगा जब लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में कंफर्ट ढूंढते हैं? आपको पता है ये भी स्टॉकहोम सिंड्रोम कहलाता है। बिल्कुल, ये इसमें होता है कि आपको आदत हो जाती है, आपका वो सबकॉन्शियसली एग्जैक्टली, और उसमें आप कंफर्ट फील करते हो, और आप उससे ऊपर जब निकलने लगते हो तो आप फेयरफुल हो जाते हो। बहुत सारा किरदार ना हमारे अदब का, और बहुत सारा ताल्लुक हमारे ड्रामों का भी है। वो इतना विक्टिमाइज किया जाता है, इतना ऐसा दिखा। साहिर आपने गालिब का वो शेर सुना है ना, कथा कीजिए ना ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। लेकिन मैं तो गालिब को इन तीन अशार के लिए, वो तो मैं तो इन तीन अशार के लिए मानता हूँ जी। रही है अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो, और हम जबां कोई ना हो। फिनलैंड और नहीं कमाल नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैं तो कहीं और जाना चाहता हूँ। अच्छा। बेदरो दीवार सा एक घर बनाना चाहिए, कोई हमसाया ना हो और साहिबा कोई ना हो, पड़ी अगर बीमार तो कोई ना हो तिमारदार, और अगर मर जाइए नोहा ख्वा कोई ना हो। दैट्स गालिब टू मी, दैट्स जस्ट, ही वाज अनबिलीवेबल। उन्होंने मोमिन के एक शेर के लिए कहा था कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, कि इसमें मैं अपना दीवान दे दूंगा। लेकिन इसी गजल का मोमिन का एक और शेर जबरदस्त है, और ये हम सब की जिंदगी है, सुन लीजिए। तुम हमारे किसी तरह ना हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता।
तो बस बात सिर्फ इतनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम किचन में चलेंगे, बात यही रहे डोमेस्टिक वायलेंस की, आपका कोई सवाल है तो वो भी कर सकते हैं, छोटा सा ब्रेक है। अगर आप उसको अच्छी नीयत से यूज़ करेंगे, उसमें अच्छा कैप्शन और अच्छे जो है वीडियोज़ ऐड करेंगे तो अच्छा है, लेकिन आप जिस तरह की वीडियोज़ ऐड करेंगे तो फिर वो बहुत ही ख़तरनाक है बच्चों के लिए। तो मोस्टली वही बात आती है इस्तेमाल के ऊपर, कुछ अपने काम के मैसेजेस करते हैं, बहुत से लोग उसको बहुत गलत मीडियम में भी यूज़ कर रहे हैं, कि इस तरह का हमारा माशरा जहाँ जा रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा किरदार है इन ऐप्स का, के लोगों को दूसरी डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं जो कि सही नहीं है। देखिए टिकटॉक की जहाँ तक बात की जाए तो इसमें कुछ जगहों पर ऐसा है कि बेहयाई भी बहुत ज़्यादा, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप सबक आमोश चीज़ों की वीडियो भी उस पर अपलोड कर सकते हैं, तो बेहतर यही है कि बेहयाई को ख़त्म किया जाए और उसमें कोई ऐसी मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाई जाएँ जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए अच्छी साबित हों। देखिए टिकटॉक को जब जहाँ तक मैंने भी यूज़ करना शुरू किया, पहले मेरा भी पर्सेप्शन यही था कि टिकटॉक जो है ना जस्ट यूज़ फॉर एंटरटेनमेंट है, लेकिन अब जो है ना काफ़ी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरे ख्याल से इस तरह इस्तेमाल करें तो बेहतर है। कुछ लोग जिनके पास जॉब नहीं है, कुछ है नहीं, वो इस ये ऐप यूज़ करके कमा सकते हैं। वीगो तो मैं कहूँगा बिल्कुल ही वल्गैरिज्म ऐप है, लेकिन टिकटॉक का जो यूज़ हमारे यहाँ पर हो रहा है ख़ासकर पाकिस्तान और इंडिया में, ये बहुत गलत यूथ उसको लेके जा रही है, और अदर ममालिक्स में अगर हम देखें तो उसको बहुत अच्छी क्या कहते हैं क्रिएटिविटी फैलाते हैं लोग और वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है यूथ पर। ये अच्छा है, मतलब कि लोगों को अपने अंदर का टैलेंट पता चलता है। अगर यूथ पे इम्पैक्ट आपका उसका पूछें तो यूथ का इम्पैक्ट इसके ऊपर गलत है, जो कि हमारे यहाँ पर स्पेशली एशिया के अंदर और स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो गलत इम्पैक्ट है, मतलब लोग डांस की तरफ और इसकी तरफ और वाहियात की तरफ ज़्यादा मूव हो रहे हैं। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। हमको सच बोलना चाहिए नो मैटर व्हाट। अब बोल देता हूँ यार, अभी कितनी उम्र रह गई है जो अभी भी चुप रहेंगे। हिपोक्रेसी दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है और ये जुर्म हम बार बार करते हैं, सो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड। दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म जो है अपने आप से झूठ बोलना होता है, और हम बड़ा बोलते हैं। हम वो सारा कंटेंट जो बाहर कोई बनाता है उसे हम देखते भी हैं, उसके बारे में लाइक्स भी उसको देते हैं, उस पर हार्ट भी भेजते हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट खुदा ना करे अगर हमारे यहाँ कोई ये कॉन्टेंट कर ले तो हमारी एथिक ब्रिगेड जो है वो एक्टिव हो जाती है। एनीवे, सो आई एम जस्ट सेइंग द डूड, व्हाट एवर यू डू डोंट लाई टू योरसेल्फ एंड डोंट लाई टू द नेशन, जस्ट डोंट। आपको कुछ भी करना है सच बोलो यार, दैट्स इट। वेल एनीवे टुडे वी आर गोना मेक क्रीमी चिकन कढ़ाई, बोनलेस क्रीमी चिकन कढ़ाई विद बटर। You guys need to teach me this. Yum, कैसे बोलते हैं? Yum. Yum. My idea. आज सारी एक generation वाले आए हुए ना, तो show थोड़ा lively हुआ है बिल्कुल। इससे पहले तो हम रो रहे होते हैं यहाँ। तू आ गई ना, हम मतलब पागल हो गए हम। आजा, मतलब इससे पहले तो, हमने show आग नाक लगाना, खुदा का वास्ता। आग लगी हुई है। Yeah. आग लगी हुई है actually। हाँ, इससे पहले तो मतलब हम show ही नहीं कर रहे होते। इससे पहले तो हमारी rating ही नहीं आती। तुम आई हो तो आई है। हम सब बिल्कुल सही बात है। नो बट दिस इज लर्निंग टू मी आल्सो, कि ये जो यम कहा है ना, ये बड़ा कमाल का है। हम सब अगर मिलके भी बोले ना, पहले आप लोग बोले फिर मैं और नदीम ट्राई करते हैं, बोलिए। जी प्याज, और मैंने आपको हमेशा कहा प्याज मैं बहुत बारीक काटता हूँ। जी जी बहुत बहुत बारी, बिकॉज़ नहीं आ रहा इनसे तो कट चुका है। ओके, और एक बात याद रखिएगा, प्याज को आप बहुत ज्यादा भूनिएगा नहीं तो सालन जो है वो थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप यू डोंट भूनो फ्राई प्याज बहुत ज्यादा। और इसके टिप्स मिल रही हैं, कुकिंग टिप्स। हां हां, मैं दे सकता हूं फ्री में। मैं दिसंबर के अंदर अपना रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे ही बताऊं, मुझे ना कुकिंग के अंदर पता नहीं कोई कंफर्ट मिलने लगा इन दिनों। मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाना बनाया था। आई वॉज वन पर्सन जो कभी किचन में जा ही नहीं सकता था, एंड आई एम वन पर्सन जिसको किचन में सुकून मिलने लगा। अच्छा, मेरा भी यही सीन है। इट हैपेंस कुकिंग में ना, कंफर्ट एक होता है कि यू आर डूइंग समथिंग राइट। या कुछ सही कर रहे हो जिंदगी में, मेरे से मैं अपने लिए खाना बना सकती हूं। और मैं तो आप सबको पता है सिर्फ खाना खाती हूं। अच्छा, मेरा जब मूड खराब होता है या अच्छा होता है ना, तो मैं बताऊं घर वालों के लिए क्या बनाती हूं। मैं बिरयानी बनाती हूं आउट ऑफ लव। मेरे घर पर कुकिंग इज माय लव लैंग्वेज फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। वो आप भिजवाएंगी हम सबको बाहर? डन है बॉस, इधर बना लेंगे। जो लोग सोशल मीडिया पे जो खाने पकाने की जो वीडियोस बनाते हैं,
तो अब आप ये भी देखें कि यहाँ पे भी खाना पकाने का प्रोग्राम हो रहा है, मगर कितना लाइवली है, नेचुरल है। तो आप लोग जो वीडियो बनाते हैं, मैंने देखा कुछ वीडियोस बन रहे होते हैं, अब आप नमक डाल दीजिए, अब आप मुर्गी डाल दीजिए, तो देखने का दिल नहीं होता। आप इस तरह से एनवायरमेंट बनाए कि देखने वाले को मजा आए कि यार देखिए साहिर लोधी बना रहे हैं, यार इसमें टमाटर, मतलब वो अननेचुरल नहीं होना चाहिए। आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, आप बारिश में अकेले निकल जाते हो, बादलों को खा जाते हो, कहीं छलांग लगा लेते हो, आई डोंट केयर, एज लॉन्ग एज यू आर सेफ एंड यू फील कि ये तुम्हारी जिंदगी है, लिव योर लाइफ। छलांग लगाने की वीडियो वायरल नहीं होगी, वीडियो तो वायरल हो जाएगी, तुम भी वायरल हो जाओगे। अच्छा एनीवे, मैं चूंकि मिर्चें थोड़ी सी ज्यादा खाता हूँ इसलिए सेम कराची यही है ना सारे, पक्की बात है नहीं एक जगह से आवाज आई है नहीं ऑलराइट। अच्छा याद रखिएगा कि मैंने आपसे कहा है कि मैं मिर्चें एक्चुअली ज्यादा खाता हूँ। मरियम तुम नहीं खाना इन्होंने मुझे एक काम से एक नाम एक चीज सिखाई, नो कैप, नो कैप मतलब झूठ नहीं बोलना, एवरीवन विल टेल अस व्हाट इट मींस, पीरियड, नो यू नो दिस नेम इज दिस फुल स्टॉप, दिस इज अदर वर्ड, हां 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 वो तो फुल स्टॉप, इट मींस फुल स्टॉप, बट व्हेन यू से समथिंग वेरी लाइक बोल्ड एंड देयर लाइक पीरियड, बस फुल स्टॉप, मतलब आगे कुछ मत बोलना, हम नहीं सुन रहे। ये तो खैर पीरियड वगैरह तो मुझे भी पता है, लेकिन हां वो पता था मुझे, ये हमने सिखाया था इनको, लेट्स गो, लेट्स डू इट, जो कि वो कर नहीं रहे हैं अभी, बट इट्स ओके। व्हाट यू मीन मैं नहीं कर रहा हूं, बनाई करो, लेट्स से इट टुगेदर, लेट्स गो, लेट्स डू इट। इतना बुरा था साथ नहीं, वेयर आर यू गोइंग, यू आर स्टैंडिंग राइट हियर, यू आर गोइंग एनीवेयर एंड यू गाइस आर नॉट डूइंग एनीथिंग एक्सेप्ट टॉकिंग। हाइप अप कर रहे हैं, या हाइप अप कर रहे हैं, बहुत अच्छे असिस्टेंट्स हैं हम सब, कुछ नहीं कर रहे, हाइप अप, बहुत बहुत अच्छे असिस्टेंट्स हैं, हराम के बराबर। अगर मैं घर पे बनाती हूं और ऐसे लोग ना, मैं उनको मारूंगा। अच्छा मैं बोनलेस का क्यों इस्तेमाल करता हूँ, एक तो इजी होता है बनाने में और दूसरा आई थिंक नहीं जल्दी नहीं बनता, फ्लेवरिंग थोड़ी ज्यादा आती है, आप कभी ट्राई कीजिएगा, थोड़ी सी फ्लेवरिंग इसमें ज्यादा आ जाती है, इसको जब आप पराठे के साथ खाएंगे ना, इट बी रियली गुड। आई ऑनेस्टली डिसएग्री, यू डिसएग्री, बोनलेस में ज्यादा मसाला नहीं होता, नहीं नहीं लेग पीस, नहीं नहीं मुझे लगता है बोन्स जो है ना वो थोड़ा सा उसके अंदर ब्लड श्लड सारा आ जाता है, तो व्हेन यू स्टार्ट कुकिंग इट और फिर उसके बाद जब आप उसको खाते हो ना, तो वो एक बहुत डार्क किस्म का मीट आ रहा होता है, आई जस्ट डोंट लाइक दैट really, yeah yeah but that's okay, you can acha main isko thoda sa bhununga, bhunne ke baad of course iske andar main cream shamil karunga aur rest of the wo jo mere jo main mujhe sabut mirchen jo hain ye bahut zyada pasand hai ye dalunga, thoda sa jalapeno dalunga and cream and then we're done and then we're going to wait inshallah, aise dalenge no I'm not salt bae bilkul nahi karunga main ye, lekin aap acha aap mein bataye aap log sabse aap kya banati hain, you said biryani yes, all right you same biryani you fatin main yahi soch rahi thi ki main kya bolu baatein okay and you main noodles mera there you go comfort food hai main wo banati hu kadhai yu yu banti hai wow okay ye banti hai bhai done ho gaya okay aaj kya chal raha hai acha so soon in next show aapne biryani banani hai yes सोशल मीडिया का 2.0 करेंगे, क्या आप मेरा रिश्ता करवाना चाह रहे हैं, लोगों को दिखाना चाह रहे हैं मैं कुकिंग अच्छी करती हूँ, होल्ड ऑन इससे पहले कि हम उधर जाएं, आई डोंट थिंक आज ये क्राइटेरिया रहा है,
आज भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, आज नो वन केयर्स आपको बनाना आता है या नहीं बनाना आता, नो वन केयर्स एंड नो वन गिव्स दैट। लड़के इतना अच्छा बना लेते अब तो यार, बना आप तो बना। नो आई डोंट टेक ऑफेंस टू दैट, बिकॉज़ लड़का हुए मुझे बहुत अरसा हो गया, अब तो मैं लड़का नहीं रहा, अब तो जो मैं क्या नहीं, मैं दिल से भी जवान नहीं, बिल्कुल कोई जवान नहीं मैं दिल से। अच्छा लोग कहते हैं हम जवान हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं हूं मैं, मुझे नहीं बनना। आई एम सॉरी, नो नो, एज हैज, एज इज नॉट जस्ट अ नंबर, इट्स अ डेफिनेट नंबर, एंड इट हर्ट्स व्हेन इन द मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप, माय बैक हर्ट्स, माय नीज एक्चुअली हर्ट। इट्स हमारे साथ भी है, इट्स ही रियलिस्टिक। अच्छा हमारे साथ तो अभी सो रहा, हम क्या करें, सीरियसली जो बात है, हां हम जो एक्सरसाइज लगे रहते हैं। अच्छा मेरे साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि आई यूज्ड टू रन लाइक 18 माइल्स अ डे, तो अब मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ पिछले 6 महीने से, आई कैन नॉट डू इट, अभी तक इजाजत उसकी नहीं मिली है, बट आई एम श्योर कि चंद दिनों के अंदर, चंद महीनों के अंदर जब मुझे इजाजत मिल जाएगी, आई विल बी बैक टू माई रूटीन। तो मुझे सुबह सुबह भागना और शाम को भागना बहुत पसंद है, मतलब आई रन लाइक क्रेजी, लाइक मैड, सुबह में 9 miles एंड देन शाम को 9 miles। मैं तो खाली प्रॉब्लम से भाग रही और प्रॉब्लम हमारे पीछे। सीरियसली यू गाइस आर टू यंग, वे टू यंग टू टॉक लाइक दैट, वे टू यंग। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं इसके अंदर, जी जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से, ब्रेक में जैसे हम बीच के अंदर क्रीम मिलाएंगे, हलापनीर मिलाएंगे और साबुत मिर्चें, एंड देन वी आर डन, ब्रेक लीजिए जी। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक, और लियाकत भाई ये कौन है हमारे साथ, सोबिया हैं और उनके साथ यहाँ कौन है? ये उनके हस्बैंड हैं। अच्छा जी, क्या हुआ है, क्या सिलसिला है? देखिए बेसिकली, अच्छा दिस इज एन एक्चुअल केस? जी एक्चुअल केस, रियल केस। अच्छा ये कोई रीएनएक्टमेंट नहीं है, ये आपको एक्चुअल केस में बता रहा हूँ, और ये दोनों तैयार हुए हैं कि दोनों आके बात कर सकें। जी देखिए मैं थोड़ा सा इसका बता दूँ, ये सोबिया हैं, इनकी जो पहली शादी भी थी मोहम्मद हाशिम के साथ हुई थी, तो इनको हाशिम जो है वो घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाता था, इनके बच्चे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद इस खातून ने जो है वो काफ़ी कोशिश की कि इसका घर बसता रहे, और इसने घर को बहुत चलाने की कोशिश की। जब पानी सर से गुजर गया और हस्बैंड ने इसको, इसका कहना यह है कि मुझे ज़बानी डिवोर्स दे के मारपीट करके तशद्दुद करके निकाला मुझे, और मैं अपने पेरेंट्स के घर चली गई, उसके बाद जाके इसने जो है ना वो खुला हासिल किए, खुला हासिल करने के बाद जो है इसने सेकेंड मैरिज किए। अब जो इसका जो सबका हस्बैंड है वो इसको थ्रेट कर रहा है, इसके खिलाफ़ झूठी एप्लीकेशन दे रहा है, पिटिशन्स फाइल कर रहा है, इसको हरासा किया जा रहा है, और साथ साथ इसका जो न्यू हस्बैंड है जो उसकी सपोर्ट कर रहा है, जिसने उससे शादी की है, उसके ऊपर भी जो है ना उसने एप्लीकेशन दी हुई है, एलिगेशन लगा रहा है कि जी ये मेरी बीवी को जो है ना ज़बरदस्ती लेके गया है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके पास नादरा का सर्टिफिकेट है, कोर्ट की डिग्री है, उसके बाद उसने शादी की है, और बाकी ये आपको बताइए कि सच क्या हुआ है जो। जी सोबिया बताइए। जी बिल्कुल सही बात है, मैं सोबिया बिलाल हूँ, और मेरा हस्बैंड हाशिम पहला, वो मुझे बहुत मारता था, बहुत पीटता था, बहुत तंग करता था। अच्छा सोबिया, वो हम मुझे बताइए मारते क्यों थे, क्या वजह होती थी? वो नशा करता था, चरस पीता था, शराब भी, हर नशा करता था, मुझे बहुत मारता था, लेकिन फिर भी मैंने 8 साल उसके साथ अपनी अब वालदैन की। हर रोज़ मारते थे आप? हर रोज़ मारता था, जैसे भी नशा करके आता था घर पे, बच्चों के सामने कमरे में बंद करके मुझे मारता था, लेकिन फिर भी मैंने, आपके बच्चे सब कुछ देखते थे? जी देखते थे, लेकिन फिर भी मैंने 8 साल उसके साथ गुजारे हैं अपनी वालदैन की खातिर, लेकिन फिर जब पानी सर से ऊपर चला गया तो मैंने, उसने मुझे तलाक दे दी अपनी ज़बानी से, तो मैं कॉपी मांगते रहे, वो मुझे नहीं दिया, मैंने 3 कपड़ों में चली गई अपनी वालदैन के घर, और फिर उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया 2.5 लाख में ले कर चली गई है, और नासी का बेटा थोड़ा सा माइक को करीब कर लीजिए जी, वो भी लेके चली गई है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं वहाँ से लेके आई अपने बच्चों के अलावा और 3 कपड़ों के अलावा। वहाँ पे मैंने जाके खुला की, और खुला के बाद मैंने बिलाल से अपनी मर्ज़ी से शादी की, और जब मैंने मर्ज़ी से शादी की है तो अभी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि हामला थी मैं, ना कि कोई हामला नहीं थी, और मुझे बार बार धमकियां दे रहा है कत्ल की, लियाकत भी उसके साथ है और हाशिम भी, ये दोनों मिले हुए हैं, और मुझे बार बार धमकियां दे रहे हैं हम तुझे यहाँ कत्ल करा देंगे वहाँ, और मेरे हस्बैंड को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। अच्छा तो ये बताइए आपको थ्रेट किस किस्म की करता है, वो धमकियां किस किस्म की दे रहे हैं आपको? वो यही कि इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो तो क्या करो, इसे छोड़ दो क्यों छोड़ दो,
बस ये तो पता नहीं है, लेकिन वो मुझे बार बार कभी असलो के साथ बंदे भेज देता है। एक मिनट बहन, मैं इनसे ज़रा बात करता हूँ। आपने उससे बात की है, उस आदमी से? जी, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। आपकी उससे कोई बात नहीं हुई? आपको कभी कोई थ्रेट दिया उसने? बस वो यही है कि मतलब मेरे ऊपर एप्लीकेशन दायर कर रहा है कि बिलाल इसको अगवा करके ले गया है, तो मतलब मेरे घर से पैसे भी ले गया, ये ले गया, वो ले गया, तो मेरा इससे कोई मतलब वो भी नहीं था। तो अपनी मर्ज़ी से ये आई है, अपने घर से अपने वालिदैन के पास चली गई थी, तो वहाँ से इसने खुला ली। खुला के बाद अपने 3 महीने इद्दत के बाद इसने मुझसे निकाह कर लिया। तो जब से मैंने निकाह करा है तो मैं कराची में कारोबार करता हूँ, मेरा स्क्रैप का काम है। तो जब भी मैं दुकान पे बैठता हूँ, मतलब एप्लीकेशन देता है मेरे ऊपर, इसने ये करा, इसने वो करा, मतलब वो टॉर्चर कर रहा है मुझे बार बार। तो उसके साथ मेरा कज़न है लियाकत, उसकी और हमारी मतलब दुश्मनी है ज़ाती, तो उसके साथ मिला हुआ है, दोनों मिल के जो है ना, तो हमारे ऊपर ये मतलब वो कर रहे हैं। 8 साल एक खातून एक मैरिज में है और उनको हर रोज़ उनका हस्बैंड जो है वो मारता है, तो और आपने 8 साल के बाद भी ये कोशिश की थी कि निभ जाए वो? जी बिल्कुल, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया तो मैं थक गई, और क्या करती मैं, तो मैं इसलिए चली गई। जी लेखक भाई देखिए, इसने बताया कि मुझे उसने ज़बानी डिवोर्स दी, मतलब हाँ। जब उसने सारा रास्ता ही बंद कर दिया और उसको डिवोर्स दे के उसने निकाल लिया, तो उसने जाके वालदेन के घर गई और खुला केस, फिर उन्हें लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की, रिट पिटीशन जो ना, कि उसके अंदर ये सारी बातें इसने लिखी हैं कि मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और मेरा शोहर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाता था, नशा करता था, खर्चा नहीं देता था, मैं बच्चों के सामने मारता था, और उसके बाद मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है। अब वो जो है वहाँ इसका स्टेटमेंट मौजूद है लाहौर हाई कोर्ट के बेंच के पास जो ना, इसके खुला की डिग्री मौजूद है, नादरा का निकाहनामा मौजूद है। अब ये खातून के पीछे ये लगे पंजाब से आई है, यहाँ उसने कराची में झूठा केस दाखिल किया इसके हस्बैंड के ऊपर कि इसको ज़बरदस्ती अगवा करके ले गया और मेरे घर से चोरी भी करके गई है, और ये खातून बता रही है कि भाई मैं खाली हाथ गई हूँ, मुझे उसने डाइवोर्स की है, और वहाँ से इसको हमने बुलवाया कि भाई अदालत के अंदर आके आप स्टेटमेंट दो कि भाई बताओ कोर्ट को हकीकत क्या है, क्योंकि वन साइडेड है। कोर्ट को जब ये गए वहाँ पर, कोर्ट को एलिगेशन लगाया, कोर्ट ने कहा जिस लड़की को बुलाओ, अब इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी 18 तारीख को कोर्ट जो है, तो इस तरह के एलिगेशन लगा के फिर उसके हस्बैंड को थ्रेट करना, उसके खिलाफ झूठी दरखास्तें देना, आए दिन वो अपने कारोबार करता है, पुलिस उसके जो है ना दुकान पे खड़ी होती है, उसको तंग करती है, वो कह रहे हैं भाई मैंने शादी की है, मैंने उस खातून को जो है वो सारा दिया है, मैंने कौन सा जुर्म किया? एक बात उसके स्टेटमेंट मौजूद है, जैसे आपने कहा, तो हुकूमत की तरफ से इन दोनों को क्या सपोर्ट है? देखें इन्होंने होना तो चाहिए ना, भाई शादी है ये क्या मतलब, किसी को तो आगे आना चाहिए। देखें बिल्कुल, हमने भी एक पिटीशन दाखिल की है ओके, और उसके अंदर हमने एडिशनल आईजी कराची, एसएसपी साउथ और जो मुतलक एसएचओ आरामबाग है उसके अगेंस्ट में कि हमने इनको एप्लीकेशन दी है कि हमें कानूनी तहफ़ दिया जाए, ये उसकी हदूद में रहते हैं, उस थाने के हदूद में, तो कोर्ट ने उनको बाकायदा नोटिस करके बुलाया है, उनसे रिपोर्ट कॉल की है कि जब इन्होंने शादी की है, इनको धमकियाँ मिल रही हैं, तो आप इनको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे रहे? तो इंशाल्लाह जो है ना 20 तारीख को इनकी पिटीशन लगी है और पुलिस भी आएगी वहाँ पे, उनका भी इनको बुलाएंगे, इनका स्टेटमेंट भी लेंगे, तो इनको प्रोटेक्शन भी इंशाल्लाह दिलवाएंगे और उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अच्छा बेटा, आपके बच्चे कितने? 3 बेटे हैं। 3 बेटियाँ हैं? बेटे हैं जी। अब अच्छा, जो मैं बात कर रहा था, अब मैं आप लोगों से व्यूज चाहूँगा और लियाकत भाई आप भी शामिल हो जाइएगा। जब एक माँ को उसके बच्चों के सामने मारा जाए तो क्या उसका तासुर पड़ेगा उन बच्चों का? वो ये समझेंगे कि शायद मारना ठीक है? Am I right or wrong? Normalize हो गया ना सर? Normalize हो जाता है, ये चीज़ normalize हो जाएगी। उनको ये पता है कि जब frustration और वो बढ़ जाएगा, वो एक औरत पे ज़ुल्म कर सकते हैं। Basically chain है abuser और victim की, और जब वो देखते हैं और witness करते हैं तो वो next generation में जाती है, उसके बाद next generation में जाती है। ये तो बड़ा इशू है, बहुत बड़ा। और एक बात जो पहले मैं कह रहा था कि मेंटल हेल्थ का और सब्सटेंस अब्यूज़ का बड़ा गहरा ताल्लुक है डोमेस्टिक वायलेंस से, मैं फिर रिपीट करना चाह रहा हूँ कि होता ये है कि अगर एक पेशेंट है और वो नशे की वजह से या साइकोसिस की वजह से ये कर रहा है, तो रूट कॉज को ट्रीट करना है, मेंटल हेल्थ को ट्रीट करना है। अभी पिछले महीने एक पेशेंट को मैंने ट्रीट किया, वो शक करता था कि उसकी बीवी का किसी के साथ चक्कर है, उसको आवाज़ें आती थी छत से कि रात को कोई उससे मिलने आता है, वाइस का नशा करता था, इट वाज एन ओथेलो सिंड्रोम जो हमें जेलसी ऑफ डिविजन ऑफ जेलसी है, उसका जो ट्रीटमेंट हुआ, अच्छा उसने पहले सोचा कि मैं अपनी बीवी का गला काट दूँ, फिर उसने अपने गले को काटा और यहाँ उसका गले गर्दन पर निशान था जब लेकर आया गया, 3 वीक्स का उसका एडमिशन हुआ। किसका गले को? अपने गले को काटा, यहाँ निशान था, उसने कोशिश की कि मैं अपना गला काट दूँ, क्योंकि ही वॉज ईदर होमोसाइडल और सुइसाइडल। उसने कहा नहीं, मैं खुद जिंदा नहीं रहना चाहता, या अपनी बीवी को मार दूँ, बच्चे उसके छोटे थे। जब उसका इलाज हुआ,
कम्प्लीटली डिल्यूजन्स ठीक हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस ऑटोमेटिकली ठीक हो गया. तो एक तो ये है कि मेंटल हेल्थ का फिर ट्रीटमेंट ज़रूरी है, और ये समझना भी ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ की कॉज अगर है जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है. नशे की बात की उस लेडी ने, वो नशा करके मारता था. हाँ बिल्कुल, नशा करके नशे करने वाले जो लोग होते हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, लेकिन नशा जो है ना, इट कॉजेज डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, साइकोसिस, जिसे हम ड्रग इंड्यूस साइकोसिस कहते हैं. उस स्टेट में आके उसको रियलिटी लगती है कि ये जो है ये लोग मेरे दुश्मन हैं, मेरे खिलाफ जो मैं करूं ठीक करूं. आवाज़ें आती हैं, कमांड हेलुसिनेशंस होती हैं जो उनको बोलती हैं कि भाई ये तुम ये कर लो, अपनी बीवी को मार दो, या फिर या तो एक वजह ये होती है कि पैसा मांगते हैं नशा के लिए कि किसी तरह भी कहीं से पैसा चाहिए उनको. तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस होता है. इलाज ये कि उनका इलाज होना चाहिए. मैं ये कहना चाह रही थी, बहुत लंबा अरसा है, 8 साल एक लंबा अरसा है. 8 साल में अगर इस शख्स को प्रॉपर सब्सटेंस अब्यूज़ की हेल्प मिल जाती तो शायद ये नौबत नहीं आ रही. इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हेल्प सीकिंग है वो आपकी ज़ाती ज़िम्मेदारी है ना. अब जो पर्सन विक्टिमाइज हो रहा है वो तो नहीं आपका जिम्मेदारी ले सकता. देखिए वही बात कर रहे थे ना कि हमारे माशरे में ये बताया ही नहीं जाता. हमारे माशरे में जो कहा जाता है दबा के रख दो हर चीज़ को, किसी को ना बोलो, कुछ ना बोलो, तुम्हारे घर की इज्जत है ये, व्हाट रबिश. वो कहेंगे मारता है लेकिन अच्छा भी बहुत है, ये दोनों अपोजिट्स हैं, ये साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते. देखो अब जैसे इसका इससे भी अगर ज़ाहिर बातचीत काफ़ी आगे चलेगी तो इससे भी पहले एक रूट कॉज है कि जब शादी हुई तो वॉज ही अ ड्रग अब्यूजर और नॉट, वॉज इन एडिक्ट और नॉट, ये भी बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है. उन्होंने शादी के बाद शुरू की थी या शादी से पहले भी पीते थे? पहले करते थे. देखिए ये बात है ना, नोन नहीं होता है फैक्टर. लेकिन 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 किरण बात ये नहीं है, बात ये है कि लोग बताते ही नहीं है. कौन जाके बोलेगा कि जी मेरा बच्चा ड्रग अब्यूज कर रहा है? शादी के बाद ठीक हो जाएगा. जो आपका सवाल है, बच्चे या तो लर्न कर लेंगे या तो वो अंदर एक फियर में, एक सेफ स्पेस होता है ना आपका घर जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सके. मुझे PTSD ना खाली इनका नहीं होगा, बच्चों का भी होगा. बच्चों का भी होगा. मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात करते. इज्जत उछालना एक अलग बात है, वो गलत इम्पैक्ट है, लेकिन बहुत सारी सेफ्टी भी है सोशल मीडिया के हवाले से जो कि अदालतों के अंदर और इसमें प्रूफ की जाती है. गलत है, नहीं करना चाहिए. और मैं कहता हूं कि हर एक की पर्सनल लाइफ है, हर एक का पर्सनल स्पेस है, इस तरह नहीं करना चाहिए कि किसी को नुकसान पहुंचाए. ये तो जाहिर सी बात है गलत चीज़ है. आपके जो भी किसी के साथ डिफरेंसेस हैं, जो भी हैं, वो आप 1-to-1 आप उसको रिजॉल्व करें, बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया पे लेके जाएं. उससे मसला सॉल्व नहीं होता, मजीद बिगड़ता है. नहीं देखें, बिल्कुल सोशल मीडिया का यूज़ बहुत गलत हो रहा है. एक हमारे बहुत मजहबी स्कॉलर भी आमिर लियाकत को भी हमने इसी वजह से खोया है, और उनका भी सोशल मीडिया पे बहुत गलत यूज़ हुआ, इसकी वजह से उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करी. तो एक ये बहुत बुरी चीज़. सोशल मीडिया बहुत अच्छा है यूज़ करने के लिए, इससे आप पैसे भी कमा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो. ये इज्जत पे उछालना ये बेकार है. एक तरीके के लोग नहीं होते हैं, तो काफ़ी लोग एक दूसरे को गलत करते हैं फेमस होने के लिए, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है. ये अब तो AI का दौर आ गया, अब तो कुछ भी नहीं कह सकते. ये बहुत ही गलत चीज़ है. देखें, किसी की इज्जत नफ्स उछालना अच्छी बात तो नहीं है. खैर, ये हर एक इंसान को समझना चाहिए, और मेरे ख्याल से तो ये अच्छी चीज़ नहीं है. नहीं, गलत है. हर चीज़ को अगर क्रिटिसाइज करना है तो अपने पैरामीटर में रह के करें, जो इतना भी ज़्यादा ऑफिस ना हो. अच्छा जी, वंस अगैन लेट्स टॉक अबाउट कि ट्रेंड्स क्या होते हैं हमारे यहाँ. हमारे यहाँ ये होता है कि हम किसी की रेपुटेशन पर राइड करके और अपने लाइक्स और व्यूज़ बढ़ाते हैं. तो आप लोगों की नज़र में ये कैसा अमल है? बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर कैशिंग अनदर पर्सनस आइडेंटिटी. और यहाँ आजकल ऐसा ही है, बल्कि जो ज़्यादातर रोस्टर्स होते हैं वो यही करते हैं. किसी की भी DP कॉपी कर ली, किसी का भी कुछ कॉपी कर लिया, एंड देन यू आर making it look like you guys talk but you don't, and then you obviously you think their reputation as well. To ye galat hai. Okay, what do you think? बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर इंसान की एक अपनी पर्सनैलिटी शैटर हो जाती है. आप उसको बुली कर रहे हैं, उसको डिस्करेज कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है. बिल्कुल ऐसा नहीं होना. सर देखिए, मैं समझता हूँ कि इतना बुरा है कि आप किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, उसको एक मसले इतने मसलों के अंबार में डाल देते हैं कि उसे समझ नहीं आता मैं क्या करूं. मैंने बहुत सी जगहों पे ऐसे भी देखे हैं इंसिडेंट्स, लोग खुदकुशी कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका मजाक हो गया, आपके जो है व्यूज़ आ गए, मगर आपको पता है. और मैं अगेन आमिर लियाकत साहब जैसे ग्रेट इंसान के साथ जब ये हुआ था,
मैं अगेन कह रहा हूँ, खुदारा दोबारा ये ऐसे इंसिडेंट मत कीजिएगा, क्योंकि आज जिसने भी किया वो आमिर लियाकत से माफ़ी नहीं मांग सकता और उसका सज़ा मेरे ख्याल से उसे मिलेगी। तो प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मत करें किसी की, आपके कोई सजा वजा नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। नहीं ऊपर तो मिलेगी सजा, ऊपर मिलेगी, बस ऊपर मिलेगी, बाकी तो नीचे तो नहीं। हमने उस शख्स को बिल्कुल एलियन कर दिया, सबके स्केलेटन्स होते हैं, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे कि हमारी मतलब आई वाजंट राइट। यस आई थिंक कंटेंट से कंटेंट निकालना बेनिफिशियल भी हो सकता है, इन द सेंस कि अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है और आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो ज़रूर आप उसके कंटेंट से एडिशनल कंटेंट बनाएं। लेकिन रोस्टिंग या मीन होना आई डोंट थिंक दैट्स राइट, बट अगेन पब्लिक प्रॉपर्टी वाली बात आ जाती है इसमें। जी मजाक उड़ाना तो बिल्कुल भी नहीं सही, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात बार बार बोलती हूँ, जो हम लोग कहते हैं ना कि हम ऐसा कॉन्टेंट क्यों देख रहे हैं अपनी फीड पर, बिल्कुल अजीब सा जिसका को ना सड़े ना पैरे, हम सिर्फ इस वजह से देख रहे हैं बिकॉज एजुकेशन, अनएजुकेशन लोग हमारे लाइक अनएजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं हमारे मुल्क में, तो उनको पढ़ा लिखा कंटेंट नहीं समझ आता, उनको यही चीज़ें समझ आती हैं और मीनिंगफुल कंटेंट वायरल भी नहीं होता, हाफ इसी तरह के कंटेंट वायरल होते हैं जो ऐसी है ना वही इनको लाइक भी कर रही है, वही कमेंट भी कर रही है। आई थिंक 2-3% जो एजुकेटेड है दे नो द वैल्यू बट वो वायरल नहीं कर पाते उस कंटेंट को इतना ज्यादा। टाइम इज फॉर द फूड टेस्टिंग एंड लेट्स सी कि क्या होता है। मुझे नहीं पता अब टाइम कितना था कितना नहीं था, यह मुझे नहीं पता है। हमने बना लिया कढ़ाई, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि बनी कैसी है ये, ठीक है। और अगर आई एम होपिंग बिकॉज़ यू नो सारे व्लॉगर्स हैं एंड दे वुड नो एग्जैक्टली कि क्या है। अच्छा फूड टेस्टर भी एक प्रोफेशन है। हाँ हाँ है। हाँ, तो हाँ, बहुत से हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ बड़ा कम कम होता है फूड टेस्टिंग। और जी ये पराठे हैं जी। हाँ, अब ये मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा थोड़ा सा निकाल रहा हूँ। ये आपका है? लीजिए, लाइए। पराठा ले ले सब अपना अपना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं बाय द वे एक फूड टेस्टर हूं। You're okay? You guys are sharing? हाँ हाँ, sure sure sure, why not? I'm just asking. मैं पूछ रही हूँ। Okay, ये लीजिए। Thank you. All right, जी, अगर पराठा तो दो। फिरा? अच्छा, sorry, ये तो हम भूल ही गए थे। ये लीजिए please. Thank you so much. बहुत मज़े का और full चटपटा, yummy. Yum. Yeah. Approved. Yes. Yeah. So good. Okay, approved. Approved. चलो फिर, अच्छा अगर approved है तो. Still पालक, पालक गोश्त देसी हांडी वाली वाइब आ रही है। Exactly. तो मट्टी की हांडी में बनाया ना, that's why भी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मट्टी टच आ गया। साहिर का जो पालक बनाने का जो रेसिपी है, कल पालक बना लो यार। जरूर नोट करना। मजे के मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है। मैं जब भी आता हूँ मैं सोच रहा होता हूँ आज शायद पालक बनावा हो। आज शायद पालक बने, कल बनेगा पालक। अच्छा मेरा ये हाल है इनकी स्टर फ्राई भिंडी के साथ, इतनी अच्छी बनाते हैं। आई लव शी प्रिपेयर्ड मी फॉर द भिंडी दो। या ओह मैन, अब वी शुड हैव डन दैट, वी शुड हैव डन द भिंडी। अच्छा भिंडी वाकई बहुत अच्छी है। कढ़ाई इज ओके राइट? हां सो गुड, बहुत मजे की। चलें चलें चलें, आप क्यों नहीं खा रहे? मैं बस मैं नदीम से ले लेता हूं एक। चाहिए बट आई डोंट नो कि कैसी होगी। मजा आ गया है ना। मैं यूजुअली और क्या चाहिए। अच्छा जी, सो अब हुआ क्या, देखिए ये जो हमने किया ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा प्लीज डू नॉट वरी अबाउट, देखें एक ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है। फर्ज करें कि आप कुकिंग का शुरू करते हैं चैनल, फर्ज करें कि आपको लगता है कि आपका किचन बहुत अच्छा नहीं है, उस दिन नहीं होगा लेकिन एक साल के बाद एक साल ओके ओके एक साल के बाद, एक साल के बाद वही किचन जो है वो चेंज हो जाएगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, देखें शुरू करें, जहां से भी शुरू करना है वीडियो लीजिए बनाइए और शुरू कर लीजिए। प्लस एक चीज मैंने देखी है
जो चीजें माशरे में हो रही होती हैं लोग उसकी भी वीडियोस बना के डालते हैं exactly. उन पे भी लाइक्स आते हैं, करंट अफेयर्स ये लाइक्स तो कोई जानवर भी सड़क पे ऐसे घूम रहा उस पे भी आ जाते हैं. सी इट्स अबाउट जनरेटिंग ऐसे कंटेंट ना पैसे आए, यू नो. ओके या मीनिंगफुल. ओके कुछ कहना चाहती हैं करीम? नहीं मैं भी कहती कि मैं तो उसमें लॉस्ट हो चुकी हूं, इतना मजे का ऑनेस्टली कि मैं टॉपिक से बिल्कुल डाइवर्ट हो चुकी हूं. ओके इसका तो मतलब ये है कि मतलब मैं तो कामयाब हो गया ना, इसका मतलब तो नदीम ठीक है ना? जबरदस्त अप्रूव. अब वो चाहिए? थैंक यू थैंक. अच्छा देयर यू गो. अच्छा तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि ये यूजीसी जो होते हैं ये भी आप बना के डाल सकते हैं. सबसे बड़ी बात ये कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके अपने आप हर शख्स दो तीन चार दोस्तों के साथ मिलके कुछ ना कुछ शुरू. अच्छा क्या मिलके भी शुरू किया जा सकता है? किसी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स हैं तो फाइबर और अपवर्क भी तो है ना, वहाँ पे भी डिफरेंट तरह से काम होते हैं. इनका मतलब है कि लोग आपस में तीन चार लोग एक ब्लॉग बनाते हैं. ये तो होता है. पैसे किसके पास आएंगे? पैसा जहाँ आ गया, पैसा जहाँ आ गया वहाँ तो मसाइल हो जाएंगे. लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, देखिए इस बात को याद रखिए कि आपने काम करना है. मुझे याद है, मुझे पता है कि हमारे जो मेरे जो ड्राइवर साहब हैं लासी जो हैं वो बना के ना टिकटॉक पर, ये माहिर है टिकटॉक का ना, ये पता नहीं कौन कौन सी वीडियोस डालता रहता है, मेरी भी वीडियोस डाल देता है मुझे नहीं पता. और पता नहीं कौन कौन से गाने लगाता है उसके पीछे ना, स्लो मो के अंदर मैं आ रहा हूँ, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, मैं अंदर बैठ रहा हूँ, आई हैव नो आइडिया व्हाट ही डज. लेकिन जेन्युइनली वो बड़ा अच्छा कंटेंट होता है. मतलब आपको देख के ना, चले मैं शायद इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज वो मेरा कंटेंट है. आपके फैंस को भी पसंद आता है वो, आई थिंक हमारे पास होते हैं ना मिलियंस के अंदर हिट्स आते हैं ना इसी तरह से, तो वो आई थिंक. लेकिन पैसा कौन बनाता है उस पर? तुम बनाते हो? अभी नहीं. अच्छा ये अच्छा जहन में ये ना रखेंगे सिर्फ पाकिस्तानी ही देख रहे हैं, बहुत पूरा एशिया देख रहा होगा, यूरोप देख रहा होगा. तो जो भी कंटेंट बनाते हैं ना जहन में रखें, ऐसा बनाएं कि सब कोई देखे. एंड ऑलवेज रिमेंबर स्टे ट्रू टू योरसेल्फ. ओके स्टे ट्रू टू योरसेल्फ. लेट्स डू इट. I don't know what we're doing and I don't know where we're going. We're just standing right here doing nothing. Just talking, that's it. But you know, ye mujhe achha lagta hai jab aap log ye sab kuch kehte hai na, to it just makes me feel young. Fun. Yeah, fun and young. So, agar koi tip dena chahe, we'll start with you. Koi ek final tip. मैं यही कहूंगी कि आप जो भी करें आप अपनी चीज़ पे बिलीव करें, अपने आप पे बिलीव करें तो आप जरूर आगे जाएंगे. और कंसिस्टेंसी रखिए, आप बिल्कुल फौरन गिव अप ना करें. ओके मतलब मैं कहना चाहूंगी ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करें बल्कि बी अ ट्रेंड सेटर योरसेल्फ. ओके जस्ट बी कंसिस्टेंट. ओके मेरा ये होगा कि अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है तो उसको एक अच्छे कॉज के लिए यूज करें, अवेयरनेस भी फैलाएं. सर आपके वीडियो से अगर किसी को फायदा हो रहा होगा ना तो याद रखिएगा वो जरूर आपकी वीडियो देखेगा. तो बनाते वक्त याद रखें ऐसे वीडियो बनाएं जिससे लोगों को फायदा हो. लेकिन लोगों बेवकूफ ना बनाएं ना वीडियोस बना के. आप बोलेंगे जी आप तुम पैसा बना सकते हो तुम पर बनाओ ही ना. हाँ, तो हो जाएगा. हाँ, जी मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगी, बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. बिकॉज अगर पैशन होगा ना वहाँ पे तो आप कुछ भी कर सकते हैं. तो सबसे पहले पैशन बहुत ज्यादा जरूरी है. इवन अगर आप ये ब्लॉगिंग में आना चाह रहे हो, सोशल मीडिया से अर्न करना चाह रहे हो, अपना फेस दिखाना चाह रहे हो, तो पैशन होना चाहिए यार मुझे काम करना. तो खुद ही कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी उस काम में, खुद ही सब कुछ आ जाएगा. आप लोग सिर्फ अगर यही करने लगे ना जो कर रहे हैं उसमें बहुत लाइक्स आ जाएंगे. मतलब सारे लोग स्टार्ट करेंगे कैसे कैसे करेंगे? या 1 2 3 या. I'm all right. I don't think I'm going to do 1 2 3 या. मुझसे होगा भी नहीं ना. ये भी सर्टन एक आपको टैलेंट चाहिए इसके लिए ना. नदीम can you do it? I can try. 1 2 3 या. या. या नहीं ये क्या या, this is not या, ये ऐसे जाना है. हाँ one two three या. मैं तो पंजाबी का वो कहूँगा सानू की. हाँ जी सानू की. So once again बात यहीं पर है. हमने बात की है कि जी सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म कौन से अवेलेबल हैं. प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं आपके पास व्हाट्सएप का भी है, आपके पास इंस्टा का भी है, आपके पास फेसबुक का भी है, आपके पास टिकटॉक का भी है, आपके पास पिंट्रस्ट का भी है, आपके पास
स्नैक का भी है, इन तमाम वीडियो इन पे तमाम पे आप जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस खोल रहे हैं तो बिजनेस आप इन तमाम जगह पे जाके अपना अकाउंट बनाएं और तमाम जगह अपने आप को ऑर्गेनिकली प्रमोट करें। जब थोड़ा सा पैसा आ जाए तो फिर आप उस पर पैसा भी लगा सकते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। इंडिविजुअली अगर जा रहे हैं तो देखिए यूट्यूब की ऑप्शन है और फेसबुक की ऑप्शन है पाकिस्तान के अंदर, इंस्टा के ऑप्शन भी है, लेकिन इंस्टा के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। एक साल दो साल तीन साल के बाद आप उस जगह पहुँचेंगे जहाँ आप इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे और जो ब्रांड्स हैं वो आपके पास आके बोला करेंगे प्लीज मेरे ब्रांड को एडवर्टाइज कर दें। तो लेकिन आप शुरू कहां से कर सकते हैं? शुरू उस पहले स्टेप से करना है जहां आपके पास आपका मोबाइल होगा ना, ये वाला कोई भी मोबाइल होगा, आपने यहां जाके तमाम एप्स डाउनलोड करनी है। प्ले स्टोर से सारी एप्स डाउनलोड कीजिए। नो आई एम नॉट लुकिंग एट इट, सो प्लीज दैट्स टोटली फाइन। अच्छा, तो आपने डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करने के बाद अपना अकाउंट बनाना है। कोई भी अकाउंट क्रिएट करने से पहले ये जान लीजिएगा कि आपका ईमेल अकाउंट होना बहुत जरूरी है। exactly. तो ईमेल अकाउंट बना लीजिए, इसके बाद आप अपना जाके अकाउंट क्रिएट कीजिए और बिस्मिल्लाह कीजिए, आज शुरू कीजिए। आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आपका इंतजार करिए। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू फॉर द लवली एंड डिलीशियस फूड। या थैंक यू फॉर द लवली फूड एंड हैविंग ऑल ऑफ अस हियर, वी लव्ड इट। थैंक यू, कल तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बाय बाय।